हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने बेसिकली वॉल्केनोज तक कवर कर लिया है और दो तीन लेक्चर्स आई थिंक कि कवर अप हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग एक्सोजेनिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सोजेनिक प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट, और एक्सटर्नल एजेंट के कारण काउज होती है तो एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो इन एक्शंस को काउज करवाते हैं। तो क्या क्या एक्सोजेनिक प्रोसेस में आता है आपका, जैसे आपका वेदरिंग हो गया, वेदरिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मास मूवमेंट हो गया, मास मूवमेंट में आपका स्लो हो सकता है, रैपिड हो सकता है। एक एग्जाम्पल मास मूवमेंट का लैंडस्लाइड हो सकता है, मडस्लाइड हो सकता है, और इरोजन एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ये सब आपके एक्सोजेनिक प्रोसेस के एग्जाम्पल है बिकॉज इट इज ऑल एक्टिंग ऑन द अर्थ सर्फेस, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो भी लैंडफॉर्म या स्ट्रक्चर्स इंडिजीनियस या फिर आपके जो इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण इमर्ज होती हैं, उन सारे स्ट्रक्चर्स को, वेरिएशंस को ये बैलेंस करती हैं, बराबर करती है, और अल्टीमेटली प्लेनर सर्फेसेस को वापस लेकर आती है, यानी कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करती है। तो बोथ एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक प्रोसेस एक्ट साइमल्टेनियसली और एक दूसरे को बैलेंस करते रहती है। तो एक एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि जो आपके इंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं ये वेरिएबिलिटी डेवलपर है, ये वेरिएबिलिटी ऑन द अर्थ सर्फेस डेवलप करते हैं, जबकि जो आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो आपके वेरिएबिलिटी रिमूवल है, ये वेरिएबिलिटी को, वेरिएशन को खत्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन जेनरेशन आपको भी पता है इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण होता है, और माउंटेन जब धीरे धीरे वेदरिंग के माध्यम से, इरोजन के माध्यम से रिड्यूस हो जाती है, तो इसका मतलब ये आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण हो रहे हैं, एक्सोजेनिक एजेंट के कारण हो रहे हैं। तो वेदरिंग की बात करें तो इसके डिफरेंट टाइप है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। मास मूवमेंट की बात करें तो इट कैन बी स्लो, इट कैन बी रैपिड, और इरोजन एंड डिपोजिशन लैंडफॉर्म के वेरियस एजेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ बेसिक ऑफ एक्सोजेनिक प्रोसेस की, तो इनको ये सब फंक्शंस करने के लिए जो एनर्जी प्राप्त होती है फ्रॉम द एटमोसफेयर विच इज डिटरमाइंड बाय द प्राइम सोर्स द सन, एंड और क्या फोर्सेस आपके जो इन सारे एक्शंस को इनिशिएट करती हैं, तो एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको भी पता है कि ये ग्रेडियंट क्रिएट करती है टुवर्ड द स्लोप डायरेक्शन, यानी कि सिंपली अगर कहें तो आप जो लैंडस्लाइड देखते हो, मडस्लाइड देखते हो, मूवमेंट ऑफ रिवर्स टुवर्ड द लोअर बेसिन, ये सब आपके कहीं ना कहीं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ही होता है। एंड जो बेसिक रीजन है फॉर वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, डिपोजिशन, वो क्या है, बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस इन द अर्थ मटेरियल, है ना। तो जो आपके स्ट्रेस डेवलप होते हैं अर्थ मटेरियल में, और ये अर्थ मटेरियल में स्ट्रेस कैसे डेवलप होते हैं, तो इट कैन बी टेम्परेचर, इट कैन बी प्रेसिपिटेशन, है ना, इन सब के कारण, एज वेल एज प्रेशर ऑन द ओवरलाइंग रॉक, एज वेल एज जो बायोलॉजिकल आपके वेजिटेशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, प्लांट्स, या फिर आपके जो इंसेक्ट सब होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं ये सारे के सारे एक्सोजेनिक प्रोसेस को इनिशिएट करने में रोल अदा करते हैं, है ना। तो देख सकते हो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर द टू मेजर एलिमेंट जो वेरियस प्रोसेस को कंट्रोल, रेगुलेट करता है, और ये सारे एक्सोजेनिक प्रोसेस जो हम अभी स्टडी करेंगे, चाहे वो वेदरिंग हो, चाहे वो आपका मास वेस्टिंग हो, ये सब को आप जनरल टर्म डेन्यूडेशन में इंक्लूड करते हो। और देख सकते हो इवन वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आपका डेन्यूडेशन में इनकॉर्पोरेटेड है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक ऑफर वेरिंग रेसिस्टेंस टू द वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेस, एंड दैट्स वाई आपको वेराइड रिलीफ अर्थ के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं डेन्यूडेशनल प्रोसेस की, तो देख सकते हो डेन्यूडेशनल प्रोसेस में आपका एक वेदरिंग आ जाएगा, मास वेस्टिंग आ जाएगा, इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा। तो याद रखना है डेन्यूडेशनल प्रोसेस में आपका वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आ जाते हैं, और इट इज ऑल इन प्रोसेस, और ये सारे प्रोसेस के पीछे एक फोर्स एक्ट करती है या इनर्जी एक्ट करती है। तो कौन है वो आपका ड्राइविंग फोर्स या इनर्जी, तो वेदरिंग के केस में ग्रेविटेशनल हो सकती है, मॉलिकुलर स्ट्रेस हो सकती है, केमिकल एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन, ये सब कुछ फोर्स एक्ट करती है।
मास मूवमेंट के फील्ड की बात करें तो इसमें आपका ग्रेविटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जाहिर सी बात है जब एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस एकुमुलेट होती है और अल्टीमेटली जब ये मूव करती है, क्योंकि इरोजन में क्या होता है, इरोजन में आपका वेदरिंग अलोंग विद ट्रांसपोर्टेशन होता है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी के माध्यम से जो मूवमेंट है आपका मटेरियल का वो फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन वो होती है। बात करते हैं वेदरिंग की, तो वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट। याद रखना है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन, यानी कोई पत्थर है और अल्टीमेटली ये आपका बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ प्रेशर एक्शन, बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल एक्शन, बिकॉज ऑफ केमिकल एक्शन, अगर ये सारे पत्थर ब्रेक डाउन हो रहे हैं छोटे छोटे पीसेस में और ये ब्रेक डाउन होकर यहीं पर आपका रह जाते हैं तो इसको हम वेदरिंग कहते हैं। दैट्स वाई इसको इन सितु कैटेगरी में रखा गया है। इन सितु यानी कि जो भी आपका ब्रेक डाउन होगा, ये ब्रेक डाउन के कारण कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ये ब्रेक डाउन होकर यहीं पर आपका डिपॉजिट हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस मीन्स वेदरिंग, तो ये याद रखना है जैसा कि मैंने बताया, इन वेदरिंग देयर इज नो मोशन ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस, सो इट इज इन सिटू इन प्रोसेस या फिर ऑन द साइट प्रोसेस, ठीक है। और जो जो फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंसेस द वेदरिंग एंड डेप्थ, तो आप देख लो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि रॉक जो वेदर होगी वो हार्ड है या सॉफ्ट रॉक है, उसके आधार पर आपका जो वेदरिंग रेट है वो इन्फ्लुएंस होगा। क्लाइमेट पर भी काफी ज्यादा डिपेंडेंसी होती है कि ये आपका आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट है या फिर आपका डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो उस आधार पर आपका जो वेदरिंग रेट है वो डिपेंड करेगा। वेदरिंग के कौन एजेंट एक्ट करेंगे वो भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल आपके जो हायर अल्टीट्यूड हैं जहाँ पर आपका ग्लेशियर मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आपका ग्लेशियर एज ए वेदरिंग एजेंट के रूप में एक्ट कर सकता है ना। और जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर आपका रिवर एज ए वेदरिंग एजेंट के रूप में एक्ट कर सकती है। टोपोग्राफी भी मैटर करती है और नेचुरल वेजिटेशन भी अफेक्ट करते हैं वेदरिंग को। और अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वेदरिंग की, तो आप देख लो फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। और फिजिकल वेदरिंग में क्या हो सकते हैं, आपके किसी रॉक जो आपका मौजूद है उस रॉक पर लगातार टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, लेट से कि दिन में आपका ह्यूज टेम्परेचर उस रॉक पर पड़ा और रात में कोई उसके ऊपर टेम्परेचर सन का नहीं पड़ रहा है, तो इसके कारण एक्सपेंशन कंप्रेशन होता है और इसके कारण थर्मल चेंजेस अकर होती हैं और अल्टीमेटली इसके कारण भी रॉक ब्रेक डाउन हो जाती है और फिर आपका स्ट्रेस डेवलप होता है रॉक के बीच, रॉक क्रैक कर जाती हैं, स्प्लिट कर जाती हैं। और जब रॉक का ऑनियन पीलिंग होता है, तो बेसिकली ऑनियन पीलिंग में क्या होता है आपको भी पता है कि जो आपका टेम्परेचर चेंज के कारण क्या होगा, ये जो आपका पत्थर है वो आपका स्ट्रेस के कारण, टेम्परेचर चेंज के कारण आपका क्या होगा कि ये ऐसा लगेगा कि जो प्याज होते हैं, ऑनियन होते हैं, वो खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं ना, ऑनियन पिलिंग, ये लेयर इधर से चला गया, इधर से लेयर चला गया, तो ये होता है ऑनियन पिलिंग का कंसेप्ट। और फिर आप देख सकते हो फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रॉस्ट एक्शन यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई रॉक है और वहाँ आपका वाटर उसमें डिजोल्व हुआ और अल्टीमेटली वो बेसिकली बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर वो बर्फ जम गया और अल्टीमेटली फिर जब उस पर हायर टेम्परेचर का अटैक होता है, यानी कि जब सन रेज दिन में होती हैं तो वो फिर पिघल जाएगा, फिर रात में वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो इस एक्शन को फ्रॉस्ट एक्शन कहते हैं। और अल्टीमेटली इस तरीके से भी फ्रेगमेंटेशन होता है। प्रेशर रिलीज यानी कि लेट से कि एक रॉक था उसके ऊपर ओवरलाइंग हैवी रॉक मौजूद था और जब ये रॉक हटा तो प्रेशर रिलीज हुआ और अल्टीमेटली रॉक बेसिकली एक्सपेंड करेगी और इससे भी आपका वेदरिंग इवेंट इनिशिएट होता है। हाइड्रोलिक एक्शन यानी कि रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग, इसके कारण भी आपका वेदरिंग हो सकता है। और हाइलोक्लेसिटाइट ये भी एग्जाम्पल है आपका मैकेनिकल वेदरिंग का। और बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करें तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया, टर्माइट्स हो गया, ये सब भी कहीं ना कहीं अपने घर बनाते हैं और अल्टीमेटली अपने फूड के चक्कर में ये रॉक को वेदर करते हैं और अल्टीमेटली इससे भी वेदरिंग जो है प्रोसेस वो इनिशिएट हो जाती है। एंड रोडेंट्स हेल्प इन एक्सपोजिंग द न्यू सर्फेसिस टू केमिकल अटैक एंड असिस्ट इन द पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। एंड केमिकल की बात करें तो देख लो डिजोल्यूशन,
डिसॉल्विंग एक्शन ऑफ वाटर इन वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड हाइड्रोलिसिस, इट इज नथिंग बट रिएक्शन विथ वाटर इन एयर और वाटर। तो ये आपका हाइड्रोलिसिस होता है जिसके कारण केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन आपको ही पता है, वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और जब भी ये किसी रॉक के साथ अटैक करेगा, अटैच होगा, तो ये केमिकल वेदरिंग को इनिशिएट कर सकता है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो देख सकते हो रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर और वाटर विथ मिनरल्स इन द रॉक, एंड इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। वो है आपका सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन। कार्बोनेशन व्हेन वाटर मिक्सेस विद कार्बन डाइऑक्साइड, और जब ये रॉक पर स्ट्राइक करते हैं तो कार्बोनिक एसिड के रूप में ये रॉक के मटेरियल्स को बेसिकली डिजोल्व करने का, ब्रेक डाउन करने का प्रयास करते हैं। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग की। क्या है सिग्निफिकेंस वेदरिंग का? तो ये आपके सॉयल के फॉर्मेशन को एड करता है, इरोजन को भी एड करता है, एज वेल एज डिपोजिशन में भी मदद करता है। बायोडाइवर्सिटी वो डिपेंड करेगी कि जो आपका डेप्थ ऑफ वेदरिंग कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा डेप्थ ऑफ वेदरिंग उतना ज्यादा आपका रॉक का ग्रेन्यूअल फॉर्म में डिसइंटीग्रेशन होता है, और उतनी अच्छे तरीके से मिनरल्स जो उस ग्रेन्यूअल रॉक्स में होती है वो एसेसिबल हो पाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और वो सस्टेन कर पाती है अपने आप को। एंड वेदरिंग एड्स मास वेस्टिंग, इरोजन, एज वेल एज एंड रिडक्शन ऑफ रिलीफ एंड चेंजेस इन लैंडफॉर्म। एंड जो वेदरिंग है रॉक की एंड डिपोजिशन ऑफ दिस रॉक्स, ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है इन एक्सट्रैक्टिंग आउट द ओर फ्रॉम द रॉक, फॉर एग्जाम्पल आयरन, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो इन सबको एक्सट्रैक्ट आउट करने में भी कहीं ना कहीं वेदरिंग आसानी से मदद करती है। अदरवाइज लेट से कि अगर कोई भी सरफेस वेदर ना हुआ हो तो अल्टीमेटली फिर से इनको पहले तो वेदर करने में एनर्जी लगेगी, लेबर लगेंगी, लेकिन अगर पहले से वेदर हो तो कहीं ना कहीं वो ईज करेगा आपको एक्सट्रैक्शन एज वेल एज एनरिचमेंट में। एंड इट इज इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ सॉयल फॉर्मेशन। एंड अगर हम बात करें इनरिचमेंट की, तो देख सकते हो व्हेन रॉक्स अंडरगो वेदरिंग, तो कुछ मटेरियल्स जो है वो रिमूव होते हैं वाया केमिकल और फिजिकल लीचिंग ग्राउंड वाटर के मदद से, और उसके बाद क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है ऑफ द रिमेनिंग मटेरियल्स वो इंक्रीज कर जाती है। एंड अगर ऐसा वेदरिंग ना हो तो कंसंट्रेशन जो है सेम वैल्यूएबल मटेरियल की वो सफिशियंट ना होगी, इकोनॉमिकल वायबल ना होगी टू एक्सप्लॉइट प्रोसेस एंड रिफाइन। इसी को कहते हैं इनरिचमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं मास मूवमेंट की। तो बेसिकली मास मूवमेंट की बात करें तो इसमें आपका ट्रांसफर होता है ना, मास ऑफ रॉक डिब्रिस, एक बड़ा रॉक डिब्रिस का मास, और वो जब आपका डाउन द स्लोप मूव करने लगता है अंडर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसको मास मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, एंड एयर, वाटर, आइस डू नॉट कैरी डेब्रिस बट डेब्रिस कैरी देम। तो आप देख सकते हो जो एयर होते हैं, वाटर होते हैं, आइस होते हैं, जनरली वो डेब्रिस को कैरी नहीं करेंगे, लेकिन जो डेब्रिस होती है वो इन सबों को कैरी कर सकती है। व्हेन फोर्स इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस, मास मूवमेंट अकर्स। तो जाहिर सी बात है एक कोई स्लोप है और अल्टीमेटली यहाँ पर आपका लूज लेयर लेट से की मौजूद है, और अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द लूज लेयर ये प्रोन है मास वेस्टिंग के लिए, लेकिन अगर अट्रैक्शन वाली फोर्स इस लोअर ग्राउंड सरफेस से ज्यादा है तो वो कहीं ना कहीं मास वेस्टिंग नहीं होगा, लेकिन अगर लूज अट्रैक्शन है, अगर रेसिस्टेंस काफी कम प्रोवाइड करी जा रही है इस लोअर सरफेस के तरफ से, तो अल्टीमेटली इट विल बी दैट कंडीशन कि यहाँ पर आपको मास मूवमेंट मिल जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर ग्रेविटी जीत जाएगी और जो आपका रेसिस्टेंस ऑफर करने वाली जो ग्राउंड है वो हार जाएंगी। एंड एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, वीक अनकंसोलिडेटेड मटीरियल, थिनली बेडेड रॉक, फॉल्ट, ये सब आपके एड करते हैं, मदद करते हैं, ईज करते हैं मास मूवमेंट को, फैसिलिटेट करते हैं ना। तो अगर अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है तो इसका मतलब वो काफी ज्यादा मजबूती से नहीं पकड़े हुए हैं सरफेस को। थिनली वेडेड रॉक है, फॉर एग्जाम्पल आपका हिमालयन माउंटेनियस रीजन में आपको थिनली वेडेड रॉक ही मिलते हैं, तो ये यहाँ सब आपका मास मूवमेंट फैसिलिटेट होती है। अब बात करते हैं रीजन फॉर लैंडस्लाइड अलोंग द हिमालय, आखिर इतनी ज्यादा लैंडस्लाइड क्यों होती है हमारे हिमालय के अलोंग। तो हिमालय आपको भी पता है चूंकि एक्टिव प्लेट बाउंड्री के अलोंग मौजूद है, तो अर्थक्वेक, रिलीज ऑफ एनर्जी, ये सब घटनाएं घटती रहती है, तो दे आर टेक्टोनिकली एक्टिव, इसीलिए उसके कारण अर्थक्वेक और मूवमेंट ऑफ द अर्थ मटेरियल, और उसके कारण आपका लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं होती हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने लैंडस्लाइड की घटना देखी जिसमें मासूम लोगों की जान गई। और फिर अनदर काउज की बात करें तो ये कि जो आपके रॉक्स होंगे जिनका मास वेस्टिंग या फिर लैंडस्लाइड होगा, वो हो सकता है कि वीक कंसोलिडेटेड रॉक से बना हो, दैट इज योर सेडिमेंट्री रॉक, जिसके कारण लूज अटैचमेंट होता है विद द
ग्राउंड रॉक और इसके कारण फैसिलिटेट हो जाती है आपका लैंडस्लाइड। स्टीप स्लोप होने के कारण भी कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हो जाती है। हिमालय इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। एंड हैवी रेन्स फैसिलिटेट्स लैंडस्लाइड, जिसके कारण वेस्टर्न घाट में आप लैंडस्लाइड को देखने को मिलते हैं इतने भारी मात्रा में। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जो है वो भी प्रमोट करती है लैंडस्लाइड को। और आप देख सकते हो ये आपका स्लाइड में रॉक स्लाइड है, लैंडस्लाइड है, मड फ्लो है, अर्थ फ्लो है। तो ये जो आप मड फ्लो अर्थ फ्लो देख रहे हो ये आपका वेटर रीजन में होगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं बारिश ज्यादा हो रही है तो वहां पर आपको मड फ्लो अर्थ फ्लो देखने को मिलेगा, लेकिन ड्रायर रीजन है वहां पर आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, रॉक स्लाइड देखने को मिलता है। और सॉइल फ्लक्शन, सॉइल क्रीप का मतलब ये हुआ कि जब जो सॉइल होती है वो धीरे धीरे डाउन द ग्रेविटी स्लीप करती है, मूव करती है, तो उसको सॉइल क्रीप कहते हैं, है ना। तो ये आप देख सकते हो। एंड मड फ्लो अर्थ फ्लो के एग्जाम्पल को तो मैंने बात कर ही ली। और देख सकते हो तीन प्रकार के मास मूवमेंट बोले गए हैं, एक तो वेरी स्लो और दूसरा फास्ट एंड ड्राई रीजन में होगा, तीसरा फास्ट तो होगा लेकिन वेट रीजन में होगा। तो वेरी स्लो वाले रीजन की बात करें तो देख सकते हो आपका यहाँ पर आपको सॉइल क्रीप इज द एग्जाम्पल, जहां पर सॉइल डाउन द स्लोप मूव करती है बट वेरी स्लोली। सॉइल फ्लक्शन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। एंड फास्ट एंड ड्राई में आपके रॉक फॉल हो जाएंगे जो आपने अभी हाल फिलहाल में वहां पे देखा। और फिर आप देख सकते हो फास्ट एंड ड्राई में ही आपका एवलांचे भी देखने को मिलता है। और जब फास्ट एंड वेट इन्वायरमेंट रहेगा, यानी कि वेट इन्वायरमेंट रहेगा और अल्टीमेटली मास मूवमेंट जब फास्टर रेट पर होगा, तो एग्जाम्पल है आपके मड फ्लो अर्थ फ्लो, ये वेस्टर्न घाट वाले रीजन में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। इवन लैंडस्लाइड या स्लम्स, ये सब भी कुछ एग्जाम्पल है फास्ट एंड वेट मास मूवमेंट के टाइप के, है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सॉइल क्रीप में क्या हो रहा है आपका, कि जो सॉइल है ये पूरा सॉइल जो है ना, देख सकते हो यहाँ पर जो ट्रीज है वो देख लो कैसे आपका इंक्लाइंड हो रही है। इट इज ऑल बिकॉज सॉइल ही पूरी की पूरी मूव कर रही है, दैट्स वाई यहाँ पर सॉइल की क्रिपिंग हो रही है। क्रिपिंग यानी कि चलना बुलना टाइप, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे पूरा आपका ट्री जो है वो आपका टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। ये आप देखते होंगे कुछ ट्रीज में जो टेढ़े नजर आते हैं। और यहाँ पर आप देख लो सॉलिड फ्लक्शन यानी कि जो भी आपके वाटर मूव कर रहे होते हैं अल्टीमेटली उसके साथ सॉइल भी मूव कर रहे हैं, ये है आपका सॉलिड फ्लक्शन। और लैंडस्लाइड में इसमें आप देख सकते हो ये है आपका रॉक फॉल हो रही है। इट इज ऑल बिकॉज इतनी ज्यादा ग्रेविटी है तो पोटेंशियल इनर्जी काफी ज्यादा होती है इन रॉक्स के ऊपर, और अगर ये गिरेंगे तो अल्टीमेटली ये फ्री फॉल करेंगे और ये लोअर सरफेस पे पहुंचेंगे। मड स्लाइड में देख लो कि जो आपका मड टाइप का जो सॉइल है, जिसमें आपका वेट सॉइल है, पानी के साथ सॉइल मिक्सचर है, ये फ्लो कर रही होती है, तो मड फ्लो हो गया, मड स्लाइड हो गया, ठीक है। और लैंडस्लाइड में तो आपको पता है कि जो आप देख सकते हो मास ऑफ डिब्रिस ये आपका नीचे को डाउन द स्लोप आ रही है, तो आपका ये लैंडस्लाइड हो गया। अब बात करते हैं इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन की। तो जियोमॉर्फोलॉजी आपको भी पता है, इट डील्स विद द साइंस ऑफ लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म कैसे बने होंगे, कौन सी फोर्स लगी होगी और कौन से क्लाइमेट में कौन से एजेंट वर्क करते हैं, ये आप सबों ने पढ़ा होगा जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है। और जब वेदरिंग होती है तो जियोमॉर्फिक एजेंट जैसे वाटर हो गए, आपके रिवर हो गए, या फिर आपके जो विंड हो गए, ये सब जियोमॉर्फिक एजेंट है जो इन सब वेदरिंग को फैसिलिटेट करते हैं, लैंडफॉर्म को बेसिकली वो रिसेप करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये आपका जियोमॉर्फिक एजेंट जो है वो वेरिएबिलिटी रिमूवल का काम करता है ना। एंड स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्स और पार्सल ऑफ अर्थ सर्फेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म इज वॉट, देयर इज अर्थ सर्फेस और समथिंग वेरिएशन, वो जो आपको अर्थ सर्फेस पर देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ हिल, इन द फॉर्म ऑफ जोर्जेज, इन द फॉर्म ऑफ वैलीज, ये सब आपके लैंडफॉर्म ही तो है। एंड सेवरल लैंडफॉर्म्स कंबाइंड टूगेदर उसको लैंडस्केप कहते हैं। तो लैंडस्केप आप देखते हो जिसमें पहाड़ है, वैलीज है, ये सब आपके एक ही लैंडस्केप में आ जाते हैं। तो व्हेन सेवरल लैंडफॉर्म आर टुगेदर इसको लैंडस्केप कहते हैं। एंड ड्यू टू चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मूवमेंट लैंडफॉर्म्स चेंज देयर शेप एंड ईच लैंडफॉर्म अंडरगो थ्री स्टेजेस, जिसको आप कहते हो यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज। और इसके लिए वो बहुत सारे वेरियस जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो है वो चेंजेस लाती हैं इन लैंडफॉर्म में। रनिंग वाटर ये आपका इरोजन करती है, मूविंग आइस दैट इज योर ग्लेशियर, ये भी आपके जो रॉक्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव करवाते हैं। विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, अंडरग्राउंड वाटर भी कहीं ना कहीं जियोमॉर्फिक एजेंट की तरह काम करते हैं। और ये जो ग्राउंड वाटर होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, ये आपका कास्ट टोपोग्राफी में काफी ज्यादा एक्टिव होता है। एंड वेव्स बाय इरोजन एंड डिपोजिशन, यानी कि वेव्स जो आपके कोस्टल रीजन में एक्टिवेट रहते हैं वहां पर ये वेव का एक्शन देखने को मिलेगा वहां पर, है ना।
एंड इरोजन एंड सॉइल फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहली बात कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए, खासकर जब हम बात करते हैं जोनल सॉइल की, तो जोनल सॉइल के लिए वेदरिंग बेसिक प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन में, और जो वेदर्ड मटेरियल होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं और ज़्यादा माइनर ग्रेन्यूल्स में डिसइंटीग्रेट होते हैं बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया लिचेंस मॉइस्चर्स एंड डेड रिमेन्स अल्टीमेटली क्या होंगी ऑर्गेनिक मैटर की, वो ह्यूमस प्रदान करती है सॉइल में, तो अल्टीमेटली सॉइल का फॉर्मेशन होता है। पैडोलॉजी की बात करें तो इट डील्स विद द साइंस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो पैडोलॉजी डील्स विद द साइंस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। और पेट्रोलॉजी की हमने बात करी थी, डील्स विद द साइंस ऑफ रॉक स्टडीज, है ना। तो पेट्रोलॉजी और पेडोलॉजी में आपको अंतर याद रखना है, पेडोलॉजी डील्स विद साइंस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, पेट्रोलॉजी डील्स विद साइंस ऑफ रॉक एनालिसिस, रॉक स्टडी। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इरोजन, तो क्या क्या हो सकती है, रॉक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि वो आपका किस टाइप का है, ज्वाइंटेड है, फ्रैक्चर है, हार्ड है, सॉफ्ट है, परमिएबल है या नहीं है, इम्परमिएबल है या नहीं है, उस ग्राउंड पर इरोजन फैसिलिटेट होंगी। साथ ही साथ ये भी देखी जाएंगे कि सी लेवल की स्टेबिलिटी क्या है ना, यानी कि सी लेवल के कंपेरिजन में वो जो लैंडफॉर्म है कितने हाइट पर है, कितनी दूरी पर है, ये सब भी इरोजन को फैसिलिटेट करता है, एज वेल एज टेक्टोनिक स्टेबिलिटी ऑफ लैंडमार्क, क्लाइमेट। तो जनरली आप देख रहे हो जो वेदर को अफेक्ट करती हैं वही कहीं ना कहीं आपको इरोजन को भी अफेक्ट कर रही है। बात करते हैं एजेंट की, तो देख लो रनिंग वाटर, रनिंग वाटर कहाँ एजेंट के रूप में काम करेगा, जहाँ पर आपका ह्यूमिड रीजन होगा, रेनफॉल हैवी होंगे, है ना। तो इन ह्यूमिड रीजन रेनफॉल इज हैवी, इसलिए रनिंग वाटर जो है वो डोमिनेंट एजेंट होती है। एंड मोस्ट ऑफ द इरोजनल फीचर्स दे आर फॉर्म्ड इन अपर कोर्सेस या यूथफुल स्टेज ऑफ द रिवर, एंड जो डिपोजिशनल फीचर्स होती है ये फॉर्म होती हैं इन द लोअर कोर्सेस या फिर ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर। एंड दो कंपोनेंट है रनिंग वाटर के, एक तो ओवरलैंड फ्लो जिसके कारण आपको सीट इरोजन देखने को मिलता है, लीनियर फ्लो जिसमें स्ट्रीम इरोजन देखने को मिलता है। सीट इरोजन होता है, समझ रहे हो, एक प्रकार से जो आपका लेंथ इनटू ब्रेथ साइज का सीट टाइप में जब मटेरियल्स इरोड होता है तो उसे सीट इरोजन कहते हैं। लीनियर फ्लो जस्ट लाइक जैसे रिवर के स्ट्रीम्स होती हैं और अल्टीमेटली वो मटेरियल को लेकर जाती हैं, तो ये आपका स्ट्रीम इरोजन का टाइप होता है। और फिर आप देख सकते हो ओवरलोड फ्लो, ओवरलोड फ्लो को सीट इरोजन ही कहते हैं, और स्ट्रीट इरोजन जो है आपका, यानी कि सीट इरोजन आपका कंसंट्रेट होता है इन द चैनल्स एंड नैरो चैनल ड्यू टू शियर फ्रिक्शन एंड रिल गलीज फर्दर डिपेंड एंड कन्वर्टेड इनटू वैलीज। तो गलीज आप समझते होगे कि जब आपका फ्लैश रेनफॉल होता है तो अल्टीमेटली काफी ज्यादा इंटेंस वाटर स्ट्रीम से फ्लो करने लगती है और अल्टीमेटली वो गलीज टाइप का फॉर्म करती है बिटवीन द टू लैंड मासेस, और ये वाटर जो है बिटवीन दैट टू लैंड मासेस वो फ्लो करती है इन द फॉर्म ऑफ गलीज। गली आपने सुना होगा ना, गली टाइप वही होता है। लाइफ साइकिल ऑफ स्ट्रीम, तो अगर हम स्ट्रीम के लाइफ साइकिल की बात करें तो आपको भी पता है यूथ मेच्योर ओल्ड, तो यूथ के फीचर्स आपको याद रखने हैं कि यूथ में कौन कौन से फीचर डोमिनेट करती है, मैच्योर में कौन कौन से फीचर, ओल्ड में कौन कौन से फीचर डोमिनेट करती है। तो आपको भी पता होगा कि यूथ में आपका जो स्ट्रीम्स होती हैं यानी कि जो आपके ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो लेस होती है, ठीक है, और लेस इंटीग्रेशन होता है, लेस इंटीग्रेशन यानी कि शुरुआत में तो एक ही रिवर होती है जो सीधा एक ही फोकस होता है कि सबसे पहले तो माउथ को ढूंढना है, और अल्टीमेटली धीरे धीरे मैच्योर स्टेज में जब आती है तो मोर एंड मोर स्ट्रीम जुड़ना शुरू हो जाती है ना। तो यूथ में आपको लेस स्ट्रीम देखने को मिलेगा, लेस इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, वी शेप्ड वैलीज ये कॉमन होती हैं, एंड स्ट्रीम डिवाइड्स आर स्वैम्पी मार्सी एरियाज एंड वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स ये कॉमन देखने को मिलते हैं। वाटरफॉल्स और रैपिड्स याद रखना कॉमन देखने को मिलते हैं इन द यूथ स्टेज। तो क्या क्या फीचर हो गए आपका, लेस स्ट्रीम, लेस इंटीग्रेशन, वी शेप्ड वैलीज ये आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि रिवर की एनर्जी काफी ज्यादा होती है, इसलिए वर्टिकल इरोजन में ये ज्यादा फोकस करती है रेदर की लेटरल इरोजन, दैट्स वाई यहाँ पर आपको वी शेप वैलीज। और स्ट्रीम डिवाइड्स आर स्वैम्पी मार्सी एरियाज, यानी कि स्ट्रीम डिवाइड्स होते हैं, स्ट्रीम डिवाइड्स यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक रिवर इधर फ्लो कर रहा है, एक रिवर इधर फ्लो कर रहा है, तो ये जो स्ट्रीम डिवाइड्स है वो काफी ज्यादा होती है, लेकिन मैच्योर स्टेज में क्या होगा कि ये वाटर डिवाइड धीरे धीरे कम होने लगती है और ये कहीं ना कहीं ये मर्ज कर जाती है एक ही बेसिन में, तो स्ट्रीम डिवाइड कम होने लगता है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें वाटरफॉल और रैपिड्स ये भी कॉमन होती हैं इस यूथफुल स्टेज में, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैच्योर स्टेज तो इसमें मोर स्ट्रीम्स जुड़ जाएंगी मेन रिवर के साथ, और इसी के साथ आपका मोर इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रीम्स देखने को मिलता है, और जो वी शेप वैलीज होंगी वो और ज़्यादा डीप होती हैं, और ये याद रखना है लेटरल इरोजन भी यहाँ देखने को मिलेगा, दैट्स वाई आपको जो फ्लड प्लेन देखने को मिलेगा वाइडर देखने को मिलेगा, क्यों, बिकॉज बहुत सारे स्ट्रीम्स अब जुड़ गई हैं तो
फ्लड प्लेन वाइडर देखने को मिलेगा। मीएंड्रिंग इज द मोस्ट फेमस फीचर ऑफ मैच्योर स्टेज एंड रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स ये यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। याद रखना है रैपिड एंड वाटरफॉल ये आपको यूथफुल स्टेज का फीचर है, मैच्योर स्टेज में रैपिड एंड वाटरफॉल ये डिसअपियर हो जाती है, ठीक है याद रखना है। ओल्ड स्टेज की बात करें तो स्मॉलर ट्रीज में आपका देखने को मिलेगा एंड फ्यू इन नंबर एंड फ्लड प्लेन्स ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। नेचुरल लिवाइज एंड ऑक्सबो लेक्स ये भी प्रेजेंट होंगे। ओल्ड स्टेज का फीचर है ये आपका ऑक्सबो लेक, है ना। ऑक्सबो लेक कहने का मतलब ये जब आपका रिवर मेंडरिंग करती है तो मेंडरिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये आपका कट के ये सेपरेट हो जाता है और ये लेक का निर्माण कर देती है और ये चैनल डायरेक्ट इससे जुड़ जाता है। तो ये होता है आपका ऑक्सबो लेक। और नेचुरल लिवाइज इज नथिंग बट योर नेचुरल बैरियर, नेचुरल बैरियर जो रिवर बैंक के किनारे होती है जिसके कारण जो वाटर है वो ओवर देयर बेसिन ओवरफ्लो नहीं कर पाती, लेकिन जब हैवी रेनफॉल होगा तो उस नेचुरल डिवाइस को भी वो बेसिकली उसके ऊपर वाटर चला जाएगा और अल्टीमेटली इनंडेट कर देगा अदर एरियाज को भी, जिसके कारण आपका फ्लडिंग भी आता है। और इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ रनिंग वाटर की बात करें तो देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है इरोजनल लैंडफॉर्म के, यानी कि ये सब जो फीचर बनेंगे लैंडफॉर्म बनेंगे वो इरोजन के कारण बनेंगे। तो जब हम बात करते हैं रिवर टेरेसेस की तो ये आपका स्ट्रीम डिपॉजिट्स के कारण हो सकता है। और याद रखना है ये जो रिवर टेरेसेस बनती है, रिवर टेरेसेस यानी कि दिस टाइप, ठीक है ये टेरेस टाइप का, तो ये आपका बनती है वर्टिकल इरोजन के टाइप के कारण, वर्टिकल इरोजन के कारण आपका रिवर टेरेसेस बनती है। और अगर ये रिवर टेरेसेस सेम लेवल पर है तो इसको पेयर्ड टेरेसेस कहते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है ऐसे होता है ना रिवर टेरेसेस आपने सुना होगा। तो अगर ये इधर वाटर फ्लो कर रही होती है, ठीक है, तो अगर ये सेम लेवल पर है यानी कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट तो ये इनको पेयर्ड टेरेसेस कहते हैं, ठीक है। और अनपेयर्ड टेरेसेस आर फाउंड इन एरियाज ऑफ स्लो अपलिफ्टमेंट एरियाज एंड रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिवर टेरेसेस, तो वही बात है रिसाइडिंग वाटर आफ्टर ए पीक फ्लो, यानी कि एक तो वाटर आपका काफी ज्यादा वॉल्यूम का फ्लो कर रहा था, धीरे धीरे वाटर कंसंट्रेशन कम होते चले गई तो इसके कारण आपका जो इरोजन है पहले अपर पार्ट में ज्यादा हुआ फिर नीचे वाले में होगा, जैसे जैसे वाटर रिसीट करती जाएंगी इरोजन इन द लोअर रीजन लोअर वैली वो होंगी और अल्टीमेटली आपको टेरेसेस का शेप देंगी। एंड चेंज इन हाइड्रोलॉजिकल रिजीम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, तो ये भी हो सकता है। टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड ये भी हो सकता है ना। तो कारण याद रखना है आपको रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिवर टेरेसेस, तो रिसीडिंग वाटर आफ्टर ए पीक फ्लो, चेंज इन हाइड्रोलॉजिकल रिजीम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड ये भी हो सकती है, सी लेवल चेंजेस इन केस ऑफ रिवर क्लोजर टू द सी, तो ये भी आपका रिवर टेरेसेस का निर्माण करेंगे। मीएंडर की बात करें तो मीएंडर आपको पता है स्नेकी लाइक मूवमेंट होता है ना, स्नेकी लाइक मूवमेंट ये होता है मीएंडरिंग, और लूप लाइक चैनल्स आर कॉल्ड मीएंडर। एंड लेटरल इरोजन याद रखना है, मीएंडर में खास बात यह है कि लेटरल इरोजन, वर्टिकल इरोजन आपको यूथफुल स्टेज में डोमिनेट करती है लेकिन ये जो आप इस साइड देख रहे हो इस वे में, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लेटरल इरोजन हुआ है, दैट्स व्हाई ये आपका मीएंडरिंग कर रही है स्नेकी टाइप में। तो लेटरल इरोजन ये कॉमन होता है इन द लोअर कोर्स ऑफ रिवर एंड चूंकि काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा कम होती है तो वाटर फ्रिक्वेंटली अपने कोर्सेस को चेंज करती है, अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो ये डायरेक्टली फ्लो करती है विदाउट चेंजिंग देयर मूवमेंट फ्रिक्वेंटली। एंड वेन मीएंडर्स आर फाउंड इन डीप एंड हार्ड रॉकी एरिया, इसको इनसाइड या इंट्रेंच मीएंडर कहते हैं। एंड सेम मीएंडर डेवलप लूप्स विच लैटर ऑन कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सबो लोक, तो वही मैंने बोला कि ये जो मीएंडरिंग कर रही होती है और धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो जाती है अल्टीमेटली इधर वाटर मूव करने के बजाय ये डायरेक्टली यहाँ से इधर क्रॉस करती है, तो ये आपका क्या कहलाता है ऑक्सबो लोक, ऑक्सबो लेक बन जाता है। अब ये मीएंडर्स के बनने के क्या कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर ग्रेडियंट ज्यादा स्लोपी होगा तो वो मेंडर को प्रमोट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये है कि जेंटल ग्रेडियंट होना चाहिए, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होने चाहिए, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल नहीं रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मेंडरिंग जो है वो संभव नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल पेनिनसुलर रिवर जो होती है वो मेंडरिंग ज्यादा नहीं कर पाती क्योंकि हार्ड रॉक से बनी होती है, जबकि हिमालयन रिवर जब ये अपने लोअर रीजन में पहुंचती है तो ये मेंडरिंग करती है बिकॉज ये सॉफ्ट रॉक से होती है, एलुवियल डिपॉजिट से होती है ना। एंड कोरियोलिस फोर्स डू असिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मीएंडर एंड स्लाइट इरेगुलरिटीज अलोंग द रिवर बैंक। पोर्ट होल्स की बात करें तो पोर्ट होल्स नथिंग बट सर्कुलर डिप्रेशन होते हैं फॉर्म्ड बाय एब्रेजन, कहने का मतलब ये है कि ये रिवर की बेसिन है और अल्टीमेटली रिवर इसमें फ्लो कर रही है तो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर ये जो आपका पत्थर आते हैं इस रिवर में मूव करते रहते हैं विच इज कैरिड फ्रॉम द अपर रीजन, ये
पत्थर ड्रिलिंग करने लगती है इन द बेसिन, और यही आपका पोर्ट होल क्रिएट करती है। तो दीज आर नथिंग बट सर्कुलर डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय एब्रेशन एंड पेबल्स एंड बोल्डर, ये कलेक्ट हो जाती है इस होल्स में और रोटेट होती है, और अल्टीमेटली इस डिप्रेशन को वाइडर और डीप बनाती है। व्हेन वी से प्लंज पूल, तो प्लंज पूल बेसिकली आपका एग्जाम्पल में आप देख लो कि ये जो आपका एट द फुट ऑफ वाटरफॉल, जहां पर भी वाटरफॉल होगा उसके फुट, यानी कि जहां वाटर कलेक्ट हो रही होंगी, वो जो आपका फुट है, वाटर फॉल्स पोर्ट होल्स बिकम प्लंज पूल ड्यू टू सॉफ्ट रॉक। तो आप देख सकते हो ये पोर्ट प्लंज पूल कैसे बनेगा, ये पहले देख लो, ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है। अब हार्ड रॉक आपको ही पता है कि वाटर जो है या रिवर जो है उसे देरी से ब्रेक डाउन करेगा, या फिर यूं कह सकते हो कि ब्रेक डाउन करना मुश्किल होता है वाटर के लिए। तो अल्टीमेटली देख लो इसका स्ट्रक्चर यहाँ तक रह गया, और अल्टीमेटली ये जो आपका सॉफ्ट रॉक है ये धीरे धीरे आपका इरोड हो गई, और इरोड होकर यहाँ पर आपका जो भी मटेरियल है वहाँ पर डिपॉजिट हो गई। तो ये जो आप देख रहे हो ये ओवर हैंगिंग दिख रहा है, ये आपका ओवर हैंगिंग कहलाया, और जो भी रॉक सॉफ्ट रॉक टूट के गिरा उसको आपका फॉलन रॉक कहलाया। और अल्टीमेटली प्लंज पूल यानी कि जो आपका वाटर डायरेक्टली यहाँ पर गिर रही है, फॉल हो रही है, और अल्टीमेटली यहाँ पे कलेक्ट हो रही है, उसको कहते हैं प्लंज पूल। ठीक है, तो एट द फुट ऑफ द वाटरफॉल पोर्ट होल्स बिकम प्लंज पूल बिकॉज ऑफ द शॉर्ट ट्रैक, और याद रखना है दे आर बिलो द लेवल ऑफ रिवर बेड। तो ये रिवर बेड क्योंकि ये डायरेक्ट जब वाटर गिरेगा तो एक हाइड्रोलॉजिकल प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हो, हाइड्रोलिक प्रेशर वो लगाएगा, और अल्टीमेटली ये और ज्यादा डिप्रेशन क्रिएट करेगा और गड्ढे क्रिएट करेगा। दैट्स वाई ये जो होंगी प्लंज पूल्स ये बिलो होती हैं द लेवल ऑफ रिवर बेड। जोर्जेस की बात करें तो जोर्जेस इज नथिंग बट दो बड़े बड़े चट्टानों के बीच से जब वाटर फ्लो करती है तो उसको हम कहते हैं जोर्जेस, है ना। और इक्वल विथ टॉप एंड बॉटम का देखने को मिलता है, स्मॉल इन लेंथ एंड दे आर फाउंड इन सेमी एरिड लैंड एरिड रीजन, ब्रह्मपुत्र जोर्ज आपने देखा होगा, देख सकते हो। ये एग्जाम्पल आप जोर्जेस का देख लो, ये है आपके, ठीक है, इतने बड़े बड़े चट्टानों के बीच से ये देख लो, दो बड़े बड़े चट्टान है यहाँ पर, उसके बीच से जब रिवर फ्लो कर रही है, तो ये सभी एग्जाम्पल आपके जॉर्जेस के, है ना। एंड दे आर स्मॉल इन लेंथ एंड दे आर फाउंड इन सेमी एरिड लैंड, एग्जाम्पल आपका ब्रह्मपुत्र मैंने बता ही दिया। कैनियन की बात करते हो तो कैनियन भी जॉर्जेस की ही तरह होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैनियन लॉन्गर इन लेंथ होता है और ये ड्राई एरियाज में मिल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड कैनियन एंड दीज आर ऑल्सो स्टेप लाइक साइडेज, देख सकते हो ये स्टेप लाइक साइडेज है ना, स्टीप लाइक साइडेज, इधर से भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, उसके बीच से जब निकल रहा है तो वो आपका ग्रैंड कैनियन हुआ। नाउ वी हैव द सर्टेन अदर फीचर, देख सकते हैं आपका ये मियंडरिंग हुआ, ठीक है। अब मियंडरिंग काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा लूज हो गई कि अल्टीमेटली इधर से जाने के बजाय ये आपका डायरेक्ट इन्होंने पाथ डेवलप कर लिया और ये बन गया आपका ऑक्सबो लेक, ठीक है। और ये देख लो आप, इसका आपका क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखोगे इस रिवर की, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अंडर कट बैंक कहलाएंगे, यहाँ से आपका जो सरफेस है वो कट हो रही है और यहाँ से कट होकर जो भी मटेरियल निकलेगी वो एक जगह डिपॉजिट होगी। तो आप देख सकते हो ये होगा आपका पॉइंट बार डिपॉजिट, है ना, यहाँ से कट होगी और यहाँ पर डिपॉजिट हो रही है, देख सकते हो ना, तो इसलिए पॉइंट बार डिपॉजिट कर रही है, यही मटेरियल यहाँ से इरोड हो रही है और यहाँ पर डिपॉजिट हो रही है, दैट्स व्हाई देयर इज अंडर कट बैंक एंड देयर इज पॉइंट बार डिपॉजिट। और ऑक्सबो लेक के बारे में मैंने आपको बात कर ही दिया, येजू, येजू बेसिकली ये जो आपका मेन रिवर होता है और उसके अलोंग जब कोई पैरेलली रिवर फ्लो कर रही होती है तो उसे येजू ट्रिब्यूटरी कहते हैं, ठीक है। एंड रैपिड आप देख सकते हो, रैपिड का एग्जांपल व्हेन देयर इज ए हार्ड रॉक देयर इज ए सॉफ्टर रॉक, तो बेसिकली क्या होगा कि हार्ड रॉक आपका इरोड नहीं होगा जबकि सॉफ्टर रॉक आपका इरोड हो जाएगा। तो देख सकते हो सॉफ्टर रॉक इरोड हुआ तो आपका प्लंज पूल बनाया, और अल्टीमेटली ये धीरे धीरे और ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा, गड्ढे में जाएगा, तो न्यू प्लंज पूल बनाएगा, है ना। तो ये आपका रैपिड देख सकते हैं, ये रैपिड जहाँ पर वाटर छलांग मारती है ना, रैपिड मतलब जहाँ पर वाटर छलांग मारेगी, और ये तभी डेवलप होंगे जब आपका अल्टरनेटिव हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक होता है। और नेक्स्ट इज योर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, तो यूपीएससी क्वेश्चन में कैसे पूछ सकती है, अगर पूछना है तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरोजनल लैंडफॉर्म डेवलप्ड बाय रनिंग वाटर, तो याद रखना है रिवर टेरेसेस, है ना, रिवर टेरेसेस में बेसिकली ये जो रिवर की टेरेसेस ऐसे आपको स्ट्रक्चर निकल नजर आएगी, है ना, पेयर्ड टेरेसेस जब दोनों तरफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होगी, है ना, और ये इरोजन के कारण बन रही है, और मियंडर्स भी आपका जो है लेटरल इरोजन के कारण बन रहा है, पोर्ट होल्स आपका इरोजन के कारण, प्लंज पूल इरोजन के कारण, जोर्ज इरोजन के कारण, और कैनियन भी आपका बन रहा है इरोजन के कारण, रट लेना है इसे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात करें तो देख लो एलुवियल प्लेन, यहाँ पर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में क्या होगा, रिवर या रनिंग वाटर आपका डिपोजिशन करवाएंगी। तो देख सकते हो एक तो आपका एलुवियल प्लेन है ना, और एलुवियल प्लेन कैसे बनती है, एलुवियल सॉइल से बनती है। एलुवियल सॉइल कहाँ से आई, ये जो आपके बड़े बड़े पत्थर जब धीरे धीरे टूटे हैं, ब्रेक डाउन हुए, और रिवर ने जब उसे डिपॉजिट किया तो एलुवियल सॉइल बना, एलुवियल प्लेन बना। और इसे दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, खादर और बंगर। खादर बेसिकली आपका नियर द रिवर मिलेगा, बंगर सॉइल आपका अवे फ्रॉम द रिवर मिलेगा। कहने का मतलब ये है क्लियर से कि ये रिवर है, और अल्टीमेटली जब रिवर में वाटर वॉल्यूम काफी ज्यादा था तो ये जो आपका एलुवियल डिपॉजिट है काफी दूर तक डिपॉजिट हुआ करते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका भांगर डिपॉजिट है ना। लेकिन धीरे धीरे वाटर रिसीड हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर कम हुआ, तो अल्टीमेटली देख लो वैली जो है रिवर की श्रिंक हुई, और अल्टीमेटली अब रिवर यहाँ पर डिपॉजिट नहीं करती है मटेरियल को, अनलेस कि कभी ओवर फ्लडिंग हो जाए, वो लोअर जो आपका रेस्ट्रिक्टेड बेसिन है यहाँ पर डिपॉजिट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हर साल नए नए मटेरियल्स डिपॉजिट होते रहेंगे, नए नए मिनरल्स के साथ डिपॉजिट होते रहेंगे, ये जो आपका सॉइल है ये रिजुविनेट होते रहेगा, दैट्स वाई इसको खादर सॉइल कहते हैं ना। तो खादर सॉइल फाउंड नियर द रिवर, जबकि बंगर सॉइल फाउंड अवे फ्रॉम द रिवर। तो ये आपका इधर बंगर हो गया है ना, इधर बंगर हो गया, इधर खादर हो गया, ये आपका रिवर वैली है। एंड जाहिर सी बात है दोनों फर्टाइल होती हैं। और एलुवियल फैंस की बात करें तो ये आपको फुट हिल ऑफ द हिल्स, यानी कि लेट्स से कि ये फुट हिल्स है और वाटर फ्लो कर रही है, और अल्टीमेटली यहाँ पर जो भी डिपोजिशन हो रहा है उस मटेरियल का, तो एलुवियल फैन की तरह डिपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है ना। तो याद रखना है एलुवियल फैन पंखे की तरह, फैन भी इस टाइप की होती है ना, तो ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे। एंड द रिवर ब्रेक इनटू नंबर ऑफ चैनल्स, और होता क्या है कि जब रिवर उतरती है फ्रॉम द हाई रीजन टू द फुट हिल्स, तो ये डिफरेंट चैनल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, ग्रेडियंट लो रहता है, कोर्सेस लोड इज डिपॉजिटेड दैट इज कैरिड आउट बाय द रिवर, और कौन सेव्ड डिपॉजिट देखने को मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एलुवियल फैन। एंड चैनल अपने पोजिशन को शिफ्ट करती है, एंड दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, फिर बाद में क्या करेंगे जुड़ जाएंगी है ना। तो फुटहिल्स पर ये डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है और फिर जुड़ जाती है, लेकिन माउथ पर जब ये डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है तो जुड़ती नहीं है, ये भी आपको पता होगा। कौन सा जेंटल स्लोप इन ह्यूमिड एरियाज एंड ड्राई लैंड्स, दे हैव द स्टीप स्लोप। बात करें डेल्टाज की, तो डेल्टाज आपका फाउंड नियर बाय द माउथ ऑफ द रिवर, और ये डिपोजिशनल फीचर है, मटेरियल जो लंबे दूरी तय कर कर रिवर ने लेकर आया है उसको फिर लाके यहाँ पर डिपोजिट कर देती है ना। और ये फाइन एलुवियल सॉइल से बनेगा, क्योंकि यहाँ तक आते आते रिवर ने सारी एनर्जी अपनी थका दी होती है, और अल्टीमेटली आपका जो हल्के मटेरियल्स बनेंगे, फाइन मटेरियल्स बनने बचेंगे, वही डिपॉजिट होता है। एंड दे आर ट्रेंगुलर इन शेप एंड डिवाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूटरीज, एंड जो डिपॉजिटेड मटेरियल है वो स्ट्रेटिफाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्ट्रेटिफिकेशन होता है यहाँ पर साइज के आधार पर, यानी कि सबसे दूर में आपका, यानी कि माउथ अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर सबसे फाइनेस्ट मटेरियल मिलेंगे, उसके बाद लेस फाइनर, उसके बाद लेस फाइनर, उसके बाद लेस फाइनर, इस टाइप का आपका डिपोजिशन होता है स्ट्रेटिफाइड वे में। कोर्स मटेरियल इज डिपोजिटेड फर्स्ट एंड देन फाइन मटेरियल है ना, तो वही बात मैंने बोला, बिग बोल्डर सबसे पहले डिपोजिट होंगे, उसके बाद फाइन, उसके बाद डेल्टा प्लेन। डेल्टा प्लेन काफी ज्यादा फाइन मटेरियल होता है। बात करें नेचुरल लिवाइज की, तो नेचुरल लिवाइज इज नथिंग बट योर बैरियर, यानी कि जो रिवर होती है और रिवर के अलोंग जो जो आपके मटेरियल्स होते हैं जो रिवर कैरी आउट कर रही होती है, और ये जब मटेरियल साइड बाय साइड बैंक के किनारे डिपॉजिट होती है, और ये एक प्रकार से नेचुरल बैरियर बनाती है, सो दैट रिवर जो है इसी एरिया में फ्लो करती रहे और ओवर फ्लो ना हो, तो इसको नेचुरल लिवाइज का नाम दिया है ना। तो इट इज लो लीनियर पैरेलल रिजेस मेड ऑफ कोर्स मटेरियल फाउंड अलोंग द रिवर बैंक, जाहिर सी बात है आपको रिवर बैंक के अलोंग मिलेगा। पॉइंट बार की बात करें तो इसको मीएंडर बार भी कहते हैं, फाउंड अलोंग द कन्वेक्स साइड ऑफ द मीएंडर है, तो कन्वेक्स साइड कौन हो गया मीएंडर का, ये हो गया कन्वेक्स साइड, तो यहाँ पर आपको पॉइंट बार डिपोजिट मिलेंगे। ब्रेडेड चैनल की बात करें तो देख लो, व्हेन रिवर कैरीज कोर्स मटेरियल देयर कैन बी सेलेक्टिव डिपोजिशन ऑफ द कोर्सर मटेरियल, और वो आपका सेंट्रल बार फॉर्मेशन करती है जो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करती है फ्लो ऑफ वाटर को टुवार्ड द बैंक, एंड ये जो फ्लो है इंक्रीज कर देती है लेटरल इरोजन को, एंड जैसे जैसे वैली वाइडन होने लगती है जो वाटर कॉलम है वो रिड्यूस होता है, एंड मोर एंड मोर मटेरियल्स डिपॉजिट होने लगती है एज एन आईलैंड एंड लेटरल बार्स डेवलपिंग ए नंबर ऑफ सेपरेट चैनल्स ऑफ वाटर फ्लो। तो ब्रेडेड चैनल को समझने के लिए बस इतना याद रखो कि जो भी वाटर यानी कि रिवर रॉक मटेरियल कैरी आउट आउट कर रही थी, और जब ये फुट हिल्स पर स्ट्राइक करती हैं तो अल्टीमेटली बड़े बड़े पत्थर ऐसे ऐसे रास्ते में डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये जो रिवर्स हैं है ना, ये चैनल्स में टूट जाएंगी, क्योंकि एक जो आपका इधर चला जाएगा, एक फिर इधर चल के इधर निकल जाएगा, और अल्टीमेटली एक इधर से जाएगा, फिर इधर से जाके इधर निकलेगा, फिर एक इधर से जाएगा, इधर से निकलेगा, तो आप देख सकते हैं ये ब्रेडेड है ना।
ये होता है आपका ब्रेडेड चैनल। आप इमेज में देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी ब्रेडेड चैनल का मतलब क्या होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कास्ट टॉपोग्राफी। तो कास्ट टॉपोग्राफी इज द टॉपोग्राफी ऑफ लाइमस्टोन। जो स्ट्रक्चर होती है, लैंडफॉर्म होती है, वो आपका लाइमस्टोन से बनी होती है या फिर डोलोमाइट मटेरियल से बनी होती है। और इसमें टाइपिकल लैंडफॉर्म देखने को मिलता है प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। और इसमें आपको केमिकल रिएक्शन देखने को मिलते हैं विद द वाटर एंड द मटेरियल ऑफ द लैंडफॉर्म, दैट इज द लाइमस्टोन। एंड उसी को जो टॉपोग्राफी बनती है उसको कास्ट टॉपोग्राफी कहते हैं। और अगर हम बात करें इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ कास्ट टॉपोग्राफी की, तो इसमें आपको डोलाइन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको देख सकते हो स्मॉल टू मीडियम साइज राउंड टू सब राउंडेड शैलो डिप्रेशन बनते हैं, इसको शैलो होल या सिंक होल कहते हैं। आप देख सकते हो ये है आपके, है ना, ये है आपके डोलाइन। जब भी रेनफॉल होंगी लेट से, और चूंकि ये लाइमस्टोन वाला रीजन है तो लाइमस्टोन में वाटर डिजोल्व हो जाती है, तो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस प्रेशर एग्जर्टेड बाय द रेन ड्रॉप्स, ये डिप्रेशन क्रिएट करती है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन बड़ा होने लगता है, लीडिंग टू द डोलाइन फॉर्मेशन, है ना। और सिंक होल्स एंड फ्लो एज अंडरग्राउंड स्ट्रीम एंड री इमर्ज एट ए डिस्टेंट डाउन स्ट्रीम थ्रू ए केव ओपनिंग। तो देख सकते हो धीरे धीरे ये जो आपका रिवर स्ट्रीम है, बेसिकली ये जो स्ट्रीम है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि जब ये सरफेस पर फ्लो कर रही होती है ऑन द लाइमस्टोन सरफेस, ये धीरे धीरे क्या होती है अंडरग्राउंड चली जाती है, और ये अंडरग्राउंड फ्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से फिर से वो री इमर्ज होंगी, ठीक है। और वेन सिंक होल्स एंड डोलाइंस ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्लम्पिंग ऑफ मटेरियल, लॉन्ग एंड नैरो टू वाइड ट्रेंचेस कॉल्ड वैली सिंक या फिर पुवालाज ये बनता है ना। तो जब बहुत सारे डोलाइन या फिर सिंक होल्स मर्ज होकर एक बड़ा डिप्रेशन बन जाएगा, तो वो आपका ओवाला का फॉर्मेशन करेगा ना, ये ओवाला। एंड इरेगुलर लैपिस फील्ड, लाइमस्टोन पेवमेंट, वाइड गैप, कोल्ड कैप्स, ये सब बनती है। इस सब को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बेसिकली। वैसे तो ये आपको प्रीलिम्स में उतने ज़्यादा पूछेंगे नहीं, ऑप्शनल के लिए ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ कास्ट टोपोग्राफी की, बस आपको ये याद रखना है ओरिजिनल लैंडफॉर्म अगर पूछा जाए तो सिंक होल है, डोलाइन है, उवालाज है ना, ये याद रखने हैं आपको, पोली है, ठीक है, आपको ये सब याद रखने हैं। बाकी चलते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की, तो डिपोजिशनल फीचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको ही पता है लाइमस्टोन में जो चीफ केमिकल कंपोनेंट होते हैं वो है आपके कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट एक की खास विशेषता है कि वो इजिली सोल्यूबल हो जाती है कार्बोनेटेड वाटर में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जो आपको रेन वाटर के रूप में मिलता है वो जब मिक्स हो जाती है तो कार्बोनिक वाटर बनाती है, ठीक है, दैट्स वाई इजिली सोल्यूबल होती है लाइमस्टोन में। तो अगर हम बात करें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की, तो सबसे पहला है आपका स्टेलेगमाइट। स्टेलेगमाइट जो होंगी आपको ये फ्लोर से बनते हुए ग्रो होते हुए दिखेंगे, ये आपको इमेज में समझना होगा, है ना, स्टेलेगमाइट। यहाँ इमेज नहीं दिया गया है बट आप स्टेलेगमाइट ऐसे समझो कि जब आपका केव होता है, कास्ट केव आपने सुना होगा, तो एक ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, है ना, इट ग्रोज फ्रॉम द फ्लोर। तो जब ये आपका फ्लोर, यानी कि जब ये आपका वाटर फ्रॉम द लाइमस्टोन पेनिट्रेट करके नीचे केव में इंटर करती है, और धीरे धीरे उसी रेन ड्रॉप्स का डिपोजिशन होता है लाइमस्टोन मटेरियल्स के साथ, तो अल्टीमेटली ये आपका इस टाइप का शेप बनाती है, और अल्टीमेटली इसी को स्टेलेगमाइट कहते हैं। तो स्टेलेग में आप जी याद रखना, जी यानी कि ये ग्रो करती है फ्रॉम द फ्लोर, ठीक है, और इसका बेस ब्रॉड होगा क्योंकि ये ऐसे ग्रो करता है, ठीक है, ऐसे ग्रो करता है, इसलिए इसका ब्रॉड बेस होता है। और ये बनती है बिकॉज ऑफ द इवोपोरेशन ऑफ वाटर, और एज एज इसके ब्रॉड होते हैं एंड ये पिलर शेप के होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे शेप के होते हैं ये आपका स्टेलेगमाइट। लेकिन स्टैल्कोसाइट की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर सी है, इसका मतलब ये ग्रो करती है फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कास्ट केव, है ना, तो ये कास्ट केव है और ये ग्राउंड से आपका ये बन रहा है, दैट इज योर स्टेलेगमाइट। और स्टेलेक्साइट जो है, यानी कि स्टैल्कोसाइट, ये आपका सीलिंग से आपका ग्रो करती है, ये आपका रूप है, ये रूप यानी कि छत होता है, ठीक है। एंड नैरो बेस होंगी इसकी, और फॉर्म्ड ड्यू टू कंडेंसेशन, यानी कि जो भी आपका वाटर है धीरे धीरे वाटर, तो यहाँ पर वाटर में आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व होती है, तो धीरे धीरे जब उसका कंडेंसेशन होता है तो वो इसी में आपका डिपॉजिट हो जाती है, तो ये स्ट्रक्चर बना लेती है ना, इसलिए आपको ये देखने को मिलता है। एंड शार्प इजेज होंगे, देख सकते हैं ये इजेज हैं, शार्प हैं एंड दे आर कॉनिकल शेप। एंड द स्टेलेगमाइट एंड स्टेलकोसाइट इवेंचुअली फ्यूज टू गिव राइज ऑफ द
कॉलम्स एंड पिलर। तो जब ऐसे ये लगातार आप इवेंट देखोगे ऐसे करके, ये एक साथ जब जुड़ जाएंगे स्टेलेक्साइट एंड स्टेलेगमाइट, तो ये आपको पिलर का जेनेसिस देती है। ठीक है, तो कास्ट टोपोग्राफी के बारे में आपको ये सब जानने हैं। स्टेलकसाइट, स्टेलेगमाइट और केव पिलर, ये तीन इंपॉर्टेंट डिपोजिशनल फीचर होते हैं। और इरोजनल फीचर में उवालाज, डोलाइन, सिंक होल, ये सब के बारे में जानना है। ठीक है, ऊपर ऊपर से लाइमस्टोन पेवमेंट, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और जो केव बनते हैं जाहिर सी बात है वो ओरिजिनल फीचर ही होती है, तभी तो ये सारे केव बनते हैं। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर ग्लेशियर। तो बेसिकली ग्लेशियर की बात करें तो ये आपका मास ऑफ आइस होगा जो शीट के रूप में मूव कर रहा होगा ओवर द लैंड। और ये आपका कंटिनेंटल ग्लेशियर हो सकता है या फिर पेडमेंट ग्लेशियर हो सकती है। इफ ए वास्ट शीट ऑफ आइस इज स्प्रेड ओवर द प्लेन्स एट द फुट ऑफ माउंटेन, तो आपका पेडमेंट ग्लेशियर हो जाएंगे। या फिर लीनियर फ्लोज के रूप में बह सकती है डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन इन ए ब्रॉड ट्रॉ लाइक वैलीज, जिसको माउंटेन एंड ग्लेशियर वैली कहते हैं, क्योंकि वैलीज के बेस के अकॉर्डिंग ही ये मूव करेंगे और इन सबको हम ग्लेशियर कहेंगे। है ना, ग्लेशियर और स्नो में अंतर होता है। स्नो आपका काफी ज्यादा वीक होता है, उसे आप हाथ से भी उठाकर बेसिकली कोई शेप दे सकते हो, लेकिन ग्लेशियर जब बनती है तो वो काफी समय के बाद जब स्नो एकुमुलेशन होता है और उस पर प्रेशर बनते रहती है ना, तब वो एक सॉलिड होमोजीनियस सरफेस बनता है और अल्टीमेटली वो फिर ग्लेशियर का अवतार लेती है ना। इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्नो। एंड सबसे पहली बात तो इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियर के बारे में जान ले, लेकिन उसको जानने से पहले आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लो, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। एक हॉर्न होता है, हॉर्न इज द टॉप ऑफ द माउंटेन, है ना, ये हॉर्न होता है आपका, पिरामिडिकल पीक कहते हैं इसको। ठीक है, हॉर्न एंड एरिट, एरिट इज नथिंग बट ये आपका डिवाइड होता है, यानी कि एक तरफ ये ग्लेशियर मूव कर रहा है, दूसरी तरफ ये ग्लेशियर मूव कर रहा है, इन दोनों के बीच की जो आपका नाइफ लाइक एज होती है जो दो ग्लेशियर वैलीज को डिमार्केट करती है, उसको एरिट कहा जाता है ना, ये याद रखना है आपको। और ये आपका वैली ग्लेशियर है जहाँ से ग्लेशियर ये मूव करेंगे, और साइड वेज में जो भी डिपोजिशन ग्लेशियर करेंगे वो मीडियल मोरेन होगा, है ना। और है ना, एक एक ग्लेशियर आपका इधर मूव कर रहा है और एक ग्लेशियर आपका इधर मूव कर रहा है, तो ये आपका दोनों के बीच में जो डिपोजिशन होगा वो आपका मीडियल मोरेन होगा, और दोनों के साइड में जो डिपोजिशन होगा वो आपका लेटरल मोरेन होगा। और फिर ग्लेशियर आपका कौन से मेथडोलॉजी से वर्क करती है, वो जब भी मूव करेंगी तो ये जो भी रॉक मटेरियल्स होती हैं अंडर द ग्लेशियर उसको प्लग करती है, तोड़ देती है और अल्टीमेटली उसको मूव करवाती है। ठीक है, और फिर आप देख सकते हो ग्लेशियर का इरोजनल लैंडफॉर्म। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका सर्क, सर्क इज नथिंग बट हेड ऑफ ग्लेशियर वैली, है ना, ये हमने सर्क की बात करा। तो सर्क एक प्रकार से मान के चलो जैसे आप आइसक्रीम से एक चम्मच के सहारे जब आप उसको निकालते हो, स्कूप अप करते हो, तो वो आपका कहलाता है सर्क। ठीक है, सर्क इज योर इरोजनल फीचर, है ना, हेड ऑफ द ग्लेशियर वैलीज। और एकुमुलेटेड आइस कट्स दी सर्क, जो भी आइस उस डिप्रेशन में एकुमुलेट होती है इन सर्क को कट करती है एंड डीप लॉन्ग एंड वाइड ट्रॉ बनाती है एंड लेक ऑफ वाटर विद इन द सर्क। और यही सर्क में जब वाटर डिपॉजिट हो जाता है आफ्टर द ग्लेशियर डिसअपियर, तो इसको सर्क या फिर टान लेक कहते हैं, याद रखना है ना। तो सर्क में जब ग्लेशियर मूव कर रहा होता है, एक समय मूव करने के बाद वो आपका वहां से हट जाता है और वहां पर फिर वाटर डिपॉजिट हो जाती है, तो वो जो लेक बना आपका वो है आपका सर्क या फिर टान लेक। एंड मोर रेडिएटिंग ग्लेशियर कट हेडवर्ड अंटिल देयर सर्क मीट हाई शार्प पॉइंटेड एंड स्टीप साइडेड पीक्स बनता है आपका, जिसको कहते हैं हॉर्न, है ना। यानी कि कहने का मतलब देख सकते हो यहाँ पर आपका ये है, एक सर्क इधर ने काटा, एक सर्क इधर से कटा, एक सर्क इधर से कटा, और बचा क्या, पिरामिडिकल टाइप पीक बचा, वो आपका हॉर्न कहलाएगा। ठीक है, एंड डिवाइड्स बिटवीन द सर्क ये साइड वॉल्स या हेड वॉल्स, ये नैरो होने लगती है और ये आपका नाइफ शार्प एजेस बनाती हैं, इसको एरिड्स कहते हैं। वही मैंने आपको बताया है ना कि ये आपका एक है और ये आपका एक है, और अल्टीमेटली यहाँ से सर्क बना और यहाँ से सर्क बना और ग्लेशियर मूव कर रहा है, अल्टीमेटली ये जो आपका डिवाइड है ये कम हो गया और ये जो आपका एज बचा इसी को आप क्या कहते हो, एरिड कहते हो।
ग्लेशियेटेड वैलीज आर ट्रो लाइक यू शेप्ड, ये याद रखना है। जो आपका रिवर वैली होती है वो वी शेप्ड होती है, लेकिन जो ग्लेशियेटेड वैली है वो आपका यू शेप्ड होती है। ब्रॉड फ्लोर होता है, रिलेटिवली स्मूथ एंड स्टीप साइड होती है। एंड देयर मे बी लेक गाउज आउट ऑफ द रॉकी फ्लोर और फॉर्म्ड बाय द डेब्रिस विद इन द वैली एज वेल। एंड याद रखना, हैंगिंग वैली भी हो सकती है एट एन एलिवेशन ऑन वन और बोथ साइड ऑफ द मेन ग्लेशियर वैली। तो ये मेन ग्लेशियर वैली हो जाती है, और अल्टीमेटली जब ये दूसरी ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर जब इंटर करती है तो ये आपका हैंगिंग वैली बनाती है। ठीक है, तो हैंगिंग वैली का भी कंसेप्ट यहाँ देखने को मिल जाएगा। एंड द फेसेस ऑफ डिवाइड्स और स्पर्स ऑफ सच हैंगिंग वैली ओपनिंग इन टू द मेन ग्लेशियर वैली आर क्वाइट ऑफ एंड ट्रंकेटेड टू गिव देम एन अपीयरेंस लाइक अ ट्रायंगुलर फैसेट एंड वेरी डीप ग्लेशियल ट्रो फिल्ड विथ सी वाटर एंड मेकिंग ऑफ शोर लाइन्स इन हाई लेटीट्यूड, इसको फ्योर्ड्स या फिर फ्योर्ड्स कहते हैं ना। तो वेरी डीप ग्लेशियल ट्रो यानी कि जो ग्लेशियल ट्रो है काफी ज्यादा डीप है, उसमें सी वाटर भर गए एंड ये ऑफ शोर लाइन्स बनाती हैं इन हाई लेटीट्यूड, तो इनको फोजोर्ड या फिर फ्योर्ड कहते हैं। एंड द अनएजोर्टेड कोर्स एंड फाइन डेब्रिस ड्रॉप्ड बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर उसको ग्लेशियल टिल्ट कहेंगे। जैसे रिवर आपका एलुवियल डिपॉजिट करती है, उसी प्रकार से ग्लेशियर आपका ग्लेशियल डिपॉजिट जब करती है तो उनको टिल्ट डिपॉजिट या फिर टिलाइट डिपॉजिट या फिर ग्लेशियल डिपॉजिट या ग्लेशियल टिल्ट कहा जाता है। स्ट्रीम्स फॉर्म बाय मेल्टिंग आइस एट द बॉटम साइड्स और लोअर एंड्स ऑफ ग्लेशियर, ये सब आपके टिल्ट डिपॉजिट्स बनते हैं। और सम अमाउंट ऑफ रॉक डिब्रिस स्मॉल इनफ टू बी कैरीड बाय सच मेल्टेड वाटर स्ट्रीम्स इज वॉश डाउन एंड डिपॉजिट हो जाती है। और ये जो आपका ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट बनता है वो है आपका आउटवॉश डिपॉजिट, है ना, ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट। तो इमेज में आप देख लो, ये देख सकते हो, जब ये आपका लेट से ये रीजन है जहाँ से आपका ग्लेशियर मेल्ट कर जाएगा, जिसको आप कहते हो एवलेशन पॉइंट, यहाँ से वो ग्लेशियर मेल्ट कर जाएगा, तो अल्टीमेटली उसके अंतर्गत जो भी उन्होंने अपने डिपॉजिट साथ में लेके आए हैं वो भी आपका क्या होगा, आगे मूव कर जाएगा वाटर के साथ, तो जो आपका डिपोजिशन ये बनाएगा उसी को कहते हैं आउटवॉश प्लेन, है ना। तो ये बात आपको पता होगी आउटवॉश प्लेन के बारे में। अब बात करते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म की। तो बेसिकली कोस्टल लैंडफॉर्म में जो आपका एजेंट होता है, जनरली जो वाटर वेव्स होते हैं वही होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कोस्टल लैंडफॉर्म की दशा और दिशा तय करने के लिए और भी कुछ फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड एज वेल एज द सी फ्लोर। तो सी फ्लोर का क्या कन्फिग्रेशन है, लैंड का क्या कन्फिग्रेशन है, वो भी डिपेंड करती है कि कोस्टल लैंडफॉर्म कैसे बनेंगे। एंड जब कोस्ट एडवांसिंग होता है यानी कि वो इमर्जिंग होता है ना, तो कोस्ट एडवांसिंग मतलब क्या है कि आपका कोस्ट इमर्ज हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशनल फीचर, या फिर जब आपका कोस्ट रिट्रीटिंग होता है इसका मतलब यह है कि वहां पर इरोजनल फीचर है। तो ये आपके फैक्टर डिसाइड करते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म के। एंड अज्यूमिंग सी लेवल टू बी कॉन्स्टेंट, दो प्रकार के कोस्ट मिल सकते हैं, एक तो आपका हाई रॉकी कोस्ट जिसको सबमर्ज कोस्ट कहोगे, एंड दूसरा आपका लो स्मूथ एंड जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंटरी कोस्ट जिसको इमर्ज कोस्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं हाई रॉकी कोस्ट दैट इज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड लो सेडिमेंटरी कोस्ट दैट इज ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इसको अच्छे से याद रखना आपको, ठीक है। तो हाई रॉकी कोस्ट और हाई रॉकी कोस्ट आपको किधर देखने मिलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो रिवर होती है ऐसा लगता है कि ये हाईली इरेगुलर कोस्ट लाइन बनाती है, और कोस्ट लाइन हाईली इंडेंटेड लगती है देखने में विथ एक्सटेंशन ऑफ वाटर इन टू द लैंड जहाँ पर आपके ग्लेशियल वैलीज या फ्योर्ड्स आर प्रेजेंट। एंड अलोंग हाई रॉकी कोस्ट वेव ब्रेक करती है विथ ग्रेट फोर्स अगेंस्ट द लैंड शेपिंग द हिल साइड इन टू द क्लिफ, और कॉन्स्टेंट पॉन्डिंग जो वेव अटैक करते रहती है। ये क्लिफ क्या करता है, क्लिफ इज योर स्ट्रक्चर, है ना, क्लिफ इज योर रॉकी स्ट्रक्चर। तो ये जो क्लिफ है वो रिसीड करने लगती है और अल्टीमेटली वेव कट प्लेटफॉर्म बनाती है इन फ्रंट ऑफ सी क्लिफ। एंड जो बार्स होती हैं ये समर फीचर्स होती हैं, एंड व्हेन बार्स शो अप एबव वाटर इनको बैरियर बार कहते हैं ना, बैरियर बार इज योर डिपोजिशनल फीचर। एंड व्हेन बैरियर बार एंड स्पिट्स फॉर्म एट द माउथ ऑफ ए बे एंड ब्लॉक इट, तो लगून बनता है आपका, यानी कि देयर इज डिपोजिशनल फीचर, बीच में आपका लेक हो गई तो ये आपका लगून लेक बन गया, और ये जो लगून है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली फिल अप हो जाती है बाय द सेडिमेंट्स फ्रॉम द लैंड गिविंग राइज टू द कोस्टल प्लेन। नेक्स्ट इज योर लो सेडिमेंटरी कोस्ट या ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपका लो सेडिमेंटरी कोस्ट में क्या होगा, रिवर अपीयर टू एक्सटेंड देयर लेंथ, है ना। तो रिवर जो है धीरे धीरे, आप पहले यहाँ पर था तो रिवर धीरे धीरे डिपोजिशनल फीचर के कारण यहाँ पर आपका एक्सटेंड करती रहेंगी बाय बिल्डिंग कोस्टल प्लेन एंड डेल्टा, है
है ना, बिकॉज ऑफ द डेपोजिशनल फीचर। और कोस्ट लाइन यहाँ पर आपको स्मूथ देखने को मिलेगा, ओकेजनल इनकर्जन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लगून एंड टाइडल क्रीक ये सब देखने को मिलेंगी। एंड लैंड स्लोप यहाँ पर आपका जेंटली वाटर में मिक्स होता है, मिक्स हो जाता है, इसलिए डिपोजिशनल फीचर यहाँ पर डोमिनेट करती है, याद रखना है आपको। एंड मार्शेस एंड स्वैम्प्स में अबाउंड अलोंग द कोस्ट, एंड व्हेन वेव्स ब्रेक ओवर ए जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट, जो बॉटम सेडिमेंट्स होती हैं ये आपका मूव करती है रेडली, बिल्डिंग द बार्स, बैरियर बार्स, स्पिट्स एंड लगून एज वेल। एंड जो आपके लगून्स हैं ये इवेंचुअली टर्न इनटू अ स्वैम्प व्हिच कुड बी सबसिक्वेंटली टर्न इनटू अ कोस्टल प्लेन। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका ओशियन है और अल्टीमेटली ये आपका लैंडफॉर्म है, और किस प्रकार से जो सी वेव है अल्टीमेटली इसको इरोड करेंगी और ये आपका रिसीड करेगा। और यहाँ आपका सी केव दिख रहा है ना, सी केव इरोजनल फीचर है आपका, ठीक है। और ये आपका सी स्टैक है, ये लावारिस पत्थर जिसको कह रहे हो, ये सी स्टैक है, ठीक है। एंड ये आप देख सकते हो कोस्ट ऑफ डिपोजिशन, कोस्ट ऑफ इरोजन। तो कोस्ट ऑफ इरोजन में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है ना, सी स्टैक मिल रहा है, हेडलैंड मिल रहा है, सी केव देखने को मिल रहा है, सी आर्चेज देखने को मिल रहा है। यही जब सी के और बड़े साइज का बन जाता है तो सी आर्चेज बन जाते हैं, सी आर्चेज में दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे आपका सी केव में क्या होगा, एक साइड बंद होगा, वाटर एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन सी आर्चेज में क्या होगा कि वाटर फ्रॉम वन साइड विल क्रॉस टू द अदर साइड एज वेल। एंड ये आप देख सकते हो कोस्ट ऑफ डिपोजिशन, जिसमें आपका सैंड ड्यून्स है ये डिपोजिट होती हैं, और ये आपका हाई टाइड जोन हुआ, और बेसिकली इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। बात करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो कोस्टल एरियाज की हैं, तो याद रखना आपको इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में, तो आपको याद रखना है इरोजनल लैंडफॉर्म जो कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते हैं, तो वेव कट प्लेटफॉर्म या फिर वेव कट क्लिफ, वेव कट टेरेसेस, ये आपको देखने के मिलेंगे जहां पर इरोजन डोमिनेट करता है, ठीक है। एंड एट द फुट ऑफ सच क्लिफ वहां पर आपको फ्लैट या फिर जेंटली स्लोपिंग प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, कवर्ड बाय रॉक डेब्रिस डिराइव फ्रॉम द सी क्लिफ बिहाइंड वेव, इसी को वेव कट टेरेस कहते हैं, ठीक है। एंड जो लैशिंग ऑफ वेव, यानी कि जब वाटर वेव्स स्ट्राइक करती है अगेंस्ट द बेस ऑफ द क्लिफ, एंड जो रॉक डेब्रिस है वो फिर आपका स्मैश करती हैं अगेंस्ट द क्लिफ अलोंग विथ लैशिंग वेव, ये आपका होलो क्रिएट करती हैं और अल्टीमेटली वो धीरे धीरे वाइडन हो जाती हैं, जिसके कारण आपका सी केव बनता है। एंड रूफ्स ऑफ केव कॉलेप्स हो जाती है एंड सी क्लिफ रिसीड कर जाती है और पीछे चली जाती है, तो वहां पर आपको सी स्टैक मिलेगा। तो सी स्टैक आप देख सकते हो, ये जो लावारिस की तरह दिख रहा है आपका, इट इज ऑल बिकॉज जो आपका केव का रूप है वो कॉलेप्स हो गया और अल्टीमेटली दोनों आपका अलग अलग बन गया, तो वो आपका सी स्टैक कहला रहा है, ठीक है। एंड ऑफशोर बार विच इज एक्सपोज ड्यू टू फर्दर एडिशन ऑफ सैंड, इसको आपको बैरियर रीफ कहते हो। तो देख सकते हो ऑफशोर बार एंड बैरियर्स कॉमनली फॉर्म अक्रॉस द माउथ ऑफ रिवर एट द एंट्रेंस ऑफ द बे और एट द माउथ ऑफ द रिवर। एंड कभी कभी ये जो बैरियर बार होते हैं गेट कीड अप टू वन एंड ऑफ द बे, एंड उसके बाद ये स्पिट्स कहलाती है। द बैरियर बार्स एंड स्पिट्स एट द माउथ ऑफ द बे ग्रेजुअली एक्सटेंड लिविंग ऑनली अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द बे इन टू द सी एंड बे विल इवेंचुअली डेवलप इन टू ए लैगून। लैगून इट इज नथिंग बट इधर से आपको साइड बाई साइड आपको डिपोजिशनल रहेंगे और बीच में आपको लेक रहेंगे, वाटर रहेंगे, तो आपका लगून कहते हैं, आपने लगून लेक भी सुना होगा। एंड लगून गेट्स फिल्ड अप विथ सेडिमेंट ग्रेजुअली फ्रॉम द लैंड और फ्रॉम द बीच इटसेल्फ एडेड बाय द विंड, एंड उसके बाद आपका ब्रॉड एंड वाइड कोस्टल प्लेन बन जाएगा रिप्लेसिंग द लगून। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका सी केव है और यही सी केव जब धीरे धीरे आपका इरोड होगा तो ये स्ट्रक्चर ले लेगा, और ज्यादा इरोड होगा तो आपको ये पिलर का स्ट्रक्चर ले लेगा, क्योंकि इधर पूरा इरोड कर देता है ना। और ये सब आपने देखा। नेक्स्ट मूव टू द डिपोजिशनल फीचर इन द कोस्टल एरियाज। तो डिपोजिशनल फीचर में आपका बीचेज होती है, बीचेज आर कैरेक्टराइज बाय शोर लाइंस दैट आर डोमिनेटेड बाय द डिपोजिशन बट मे अकर एज पैचेज अलोंग इवन द रज्ड शोर्स। एंड जो अधिकांशतर बीचेज होती हैं आर मेड अप ऑफ सैंड साइज्ड मटेरियल्स, और बीचेज को सिंगल बीचेज भी कहते हैं, कंटेन्स एक्सेसिवली स्मॉल पेबल्स एंड इवन कॉबल्स। एंड रिज ऑफ सैंड एंड सिंगल फॉर्म्ड इन द सी इन द ऑफशोर जोन लाइंग अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द कोस्ट, इसको ऑफशोर बार कहते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो बीच है, उसके बाद जब आप अंदर और जाते हो तो ये आपका
लैंडफॉर्म मिल गया, और यहाँ पर आपका हाई टाइड का मतलब क्या हुआ कि आपका जब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो ये वाटर यहाँ तक आ जाएंगी, और जब आपका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लो होगा यानी कि लो टाइड, तो वाटर यहाँ पर आएंगी, है ना। और ये आपका वेव कट क्लिफ है, और ये देख सकते हो आप ब्रेकर्स हुए, ब्रेकर्स यानी कि जो आपके वेव आते रहते हैं, ये जो आप वेव रूप में देख रहे हो यही आपका ब्रेकर्स है ना, और ये स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद इसको तोड़ते हैं क्लिप को, और अल्टीमेटली वहां से मटेरियल निकाल कर डिपॉजिट करते हैं, ये सब होती है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सीरीज में हम लोग विंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और काफ़ी आसान टॉपिक होगा विंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको जानने होंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और अल्टीमेटली जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी हम शुरू करेंगे बैक टू बैक। होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग ओनली आईएएस के ज्योग्राफी सीरीज डिस्कस कर रहे थे, और अब तक हम लोगों ने इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो कोस्टल एरियाज के हैं उसे डिस्कस किया। इसको हमने ऊपर ऊपर से ही डिस्कस किया क्योंकि प्रीलिम्स में डिटेल से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी बारे में पता होनी चाहिए कि कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के एग्जाम्पल हैं कोस्टल एरियाज के, या फिर इरोजनल लैंडफॉर्म्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। उसी प्रकार से हमने रिवर्स के बारे में देखा, तो रिवर में आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि उसमें मियंडरिंग, यूथफुल स्टेज, ओल्ड स्टेज, मैच्योर स्टेज, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकती है। क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन तीनों में देखने को मिलती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इस नेक्स्ट सीरीज में हम लोग विंड्स की बात करेंगे। तो विंड की बात करें तो आपको भी पता है ये हॉट डेजर्ट में डोमिनेट एजेंट होता है, क्योंकि डेजर्ट में आपको भी पता है आपका ड्रायर रीजन रहता है, तो वहां पर जो वाटर है वो इफेक्टफुल एजेंट नहीं होती है, तो विंड जो है एक रेस्पॉन्सिबल एजेंट वहां पर देखने को मिलेगा। और विंड के कारण क्या क्या इफेक्ट होते हैं, विंड किन किन तरीकों से लैंडफॉर्म्स में चेंजेस लाती हैं, तो विंड का काम है डिफ्लेक्शन, एब्रेजन एंड इंपैक्ट। डिफ्लेक्शन की बात करें तो इसका मतलब हुआ कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स आपको डेजर्ट में देखने को मिलते हैं उनको ये डिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि लिफ्ट आउट करेंगे फ्रॉम द ग्राउंड, और उसको दूसरे लोकेशन पर जाकर डिपोजिट करेंगे। लेकिन यहाँ कहने का मतलब एक ये हुआ, एक जगह से वो विंड जो है उसको इरोड करेंगे डस्ट पार्टिकल्स के रूप में, और कहीं ना कहीं उसे डिपोजिट भी करेंगे, ठीक है। एंड इंपैक्ट की बात करें तो वो आपका जो शियर फोर्स ऑफ मोमेंटम है, यानी कि कहने का मतलब लेट से ये कोई लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर है और ये जो आपके डस्ट पार्टिकल्स विंड कैरी ऑन कर रहे हैं, जब ये इनके साथ टकराएंगे तो ये कहीं ना कहीं इरोड करेंगे इन रॉक मटेरियल्स को, तो ये आपका इम्पैक्ट कहलाता है ना। तो इम्पैक्ट इज सिंपली शियर फोर्स ऑफ मोमेंटम जो अकर करती है व्हेन सैंड इज ब्लोन इनटू और अगेंस्ट ए रॉक सरफेस एंड जेंटली इंक्लाइंड रॉक की फ्लोर्स क्लोज टू द माउंटेन्स एट देयर फुट विथ और विदाउट ए थिन कवर ऑफ डेब्रिज, ये पेडिमेंट्स कहते हैं शीट फ्लडिंग एंड लेटरल इरोजन। यहाँ पर आपको बन के पेडिमेंट्स के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल रॉक की फ्लोर जो जेंटली इंक्लाइंड है, यानी कि जिनकी स्लोप उतनी ज्यादा स्टीप नहीं है, एट देयर फुट उनको पेडिमेंट कहते हैं, ठीक है। एंड थ्रू पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप, व्हाई पैरेलल रिट्रीट, बिकॉज चारों तरफ से आपका जो विंड है वो अटैक करता है, दैट्स व्हाई पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप होता है। पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप का मतलब ये हुआ कि इस साइड से भी आपका कंटेंट रिमूव होगा, इस साइड से भी कंटेंट रिमूव होगा, ये आपका पैरेलल रिट्रीट कहा जाता है स्लोप का, ठीक है। स्लोप जो है आपका पैरेलली रिट्रीट होगा, तो थ्रू पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप जो पेडिमेंट होती है वो पीछे की ओर एक्सटेंड होने लगती है एट द एक्सपेंस ऑफ माउंटेन फ्रंट एंड ग्रेजुअली ये जो माउंटेन है आपका इनसेलबर्ग फॉर्म करेगा, क्योंकि जब इसके कंटेंट रिमूव होंगे तो धीरे धीरे आपका सिर्फ एक छोटा सा रॉकी सरफेस दिखाई देगा जिसको आप इनसेलबर्ग कहोगे, विच इज रेमिनेंट ऑफ माउंटेन। तो याद रखना डेजर्ट में जो आपका इनसेलबर्ग देखने को मिलता है इट इज द रेमिनेंट ऑफ माउंटेन जो आपके एजेंट के द्वारा बेसिकली इफेक्ट में लाए गए हैं। एंड दैट्स हाउ द हाई रिलीफ इन डेजर्ट एरिया इज रिड्यूस्ड टू लो फीचरलेस पेडिक्लेन। तो दो याद रखना है, डेजर्ट में आपका लेट्स से पहले ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो बाद में आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ एजेंट जब इन पर विंड एज एन एजेंट अटैक करेंगे तो धीरे धीरे इनका पैरेलल रिट्रीट होता है, तो अल्टीमेटली क्या आउटकम बनाएंगे, ये छोटा सा आपका पेडिप्लेन बनाएगा, बेसिकली पेडिप्लेन है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है रेमिनेंट है माउंटेन का, ये आपका इंसेल बग कहलाएगा।
और फिर आप देख सकते हैं इतने बड़े स्ट्रक्चर को इसने रिमूव कर दिया, तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपका पेनी प्लेन बन रहा है। ये टोटल आपका पेनी प्लेन है विथ इंसेलबर्ग एज द रेमिनेंट ऑफ द माउंटेन। ठीक है, अब बात करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म जो विंड की होती है। तो बेसिकली जो वेदर्ड मैटर है फ्रॉम ओवर द रॉक्स और बेयर सॉइल, ये आपका परसिस्टेंट मूवमेंट ऑफ विंड जो डेजर्ट रीजन में चलती रहती है वह ब्लो आउट होती रहती है इन वन डायरेक्शन, एंड दिस प्रोसेस में क्रिएट शैलो डिप्रेशन जिसको कहते हैं डिप्रेशन हेलोज, डिफ्लेशन हेलोज, नथिंग बट है ना, जैसे विंड ब्लो करती रहती है। अल्टीमेटली जब ये डस्ट पार्टिकल्स को ये उठाएंगी तो जहां से उठाएं उन्होंने डिफ्लेशन हॉलो क्रिएट कर दिया है ना, तो शैलो डिफ्लेशन होगा विच इज कॉल्ड द डिफ्लेशन हॉलो। एंड द रॉक फेसेस सरफेस इम्पैक्ट एंड एब्रेशन ऑफ विंड बोर्न सैंड एंड फर्स्ट शैलो डिप्रेशन कॉल्ड ब्लो आउट आर क्रिएटेड, है ना। तो सबसे पहले शैलो डिप्रेशन जिसको ब्लो आउट कहते हैं वो क्रिएट होता है, एंड सम ऑफ द ब्लो आउट बिकम डीपर एंड वाइडर, है ना। तो धीरे धीरे यही डिप्रेशन जब बड़ा होने लगता है तो अल्टीमेटली इसको केव का नाम दे रहे हैं। एंड सम रेमिनेंट ऑफ रेसिस्टेंट रॉक पॉलिश हो जाती है ब्यूटिफुली इन द शेप ऑफ मशरूम, है ना। और ये देख सकते हैं ये है आपका मशरूम रॉक, इसमें आप देख सकते हो है ना, मशरूम रॉक आप ऐसे देखे होगे डेजर्ट रीजन में, ये है आपका मशरूम रॉक का सेट। और ये कैसे हो रहा है, तो चारों तरफ से जब विंड ने एक्ट किया और इरोजन किया तो ये आपका मशरूम रॉक बन गया, ठीक है। और अल्टीमेटली इधर इसका जो शेप है ऊपर वाले पोर्शन में ज्यादा क्यों है, क्योंकि विंड जो है एक सर्टेन लिमिट तक ही किसी मटेरियल को क्या करती है, सर्टेन लेवल पर ही मटेरियल को एक्सटेंड आउट कर सकेगी। इससे ऊपर विंड बेसिकली उतनी उसकी पावर नहीं होती है कि वो उतने पूरे लेवल को क्या करे, एक्सट्रैक्ट आउट करे या कट आउट करे। तो ये जो आपका बॉर्डर लाइन हो गया यहीं से मटेरियल को ये चारों तरफ से विंड काटती है और अल्टीमेटली आपका आउटकम इस रोक में रहता है, ठीक है। एंड इसी को मशरूम रोक कहते हैं। एंड आप देख सकते हो समटाइम्स द टॉप सरफेस इज ब्रॉड लाइक ए टेबल टॉप एंड क्वाइट ऑफन जो रेमिनेंट्स हैं वो आपका पेडेस्टल्स के रूप में नजर आता है। एंड इन बेसिन विथ माउंटेन्स एंड हिल्स अराउंड एंड अलोंग जो ड्रेनेज है इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बेसिन, एंड क्योंकि ग्रेजुअल डिपोजिशन होते रहता है सेडिमेंट्स का फ्रॉम आवर बेसिन मार्जिन, तो लेवल प्लेन या नियरली लेवल प्लेन बनता है एट द सेंटर ऑफ द बेसिन जिसको प्लायाज प्लेन कहते हैं। और अगर प्लायाज में सफिशेंट वाटर आ जाए तो इसमें आपका शैलो वाटर बॉडी बन जाएगा, है ना, और सच टाइप ऑफ शैलो लेक इसको प्लाया कहते हैं, ठीक है। तो प्लाया आर सीजनल लेक जिसको आप डेजर्ट रीजन में देखोगे, ठीक है। एंड जो प्लाया प्लेन होते हैं इट इज कवर्ड बाय द साल्ट और उसको अल्कली फ्लेट भी कहते हैं ना, तो प्लाया प्लेन विच इज कवर्ड बाय द साल्ट इज कॉल्ड अल्कली फ्लेट, ठीक है। और देख सकते हो ये आपका विंड एवरेजन क्रिएट कर रही है, इट इज ग्रेटेस्ट, याद रखना आपको जो भी, जैसे ये आपका कोई रॉक सरफेस हुआ, ठीक है, और इस पर विंड का एक्शन होगा, तो एवरेजन का मतलब क्या हुआ, जब वो अटैक करेंगी, जब विंड अटैक करेंगी रॉकी सरफेस पर स्ट्रक्चर पर, तो सबसे ज्यादा चोट कहाँ लगेगी, जो सबसे नीचे वाले लेवल पर होगा, ग्राउंड लेवल के नजदीक जो आइटम होंगी वहां सबसे ज्यादा चोट लगेंगे। तो इसका मतलब ये धीरे धीरे और ज्यादा अंदर जाएगी और ज्यादा अंदर जाएगी, तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आपका बन सकता है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, जो रेसिस्टेंट रॉक होगी यानी कि हार्ड रॉक वर्सेस सॉफ्ट रॉक, तो हार्ड रॉक आपको भी पता है वो आसानी से वॉर्न आउट नहीं होंगी एज कम्पेयर टू द सॉफ्ट रॉक, तो जो लेस रेसिस्टेंट रॉक होंगी वो वहां से मटेरियल इजिली एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएंगी, और जो मोर रेसिस्टेंट रॉक होंगी वहां से मटेरियल आसानी से नहीं एक्सट्रैक्ट आउट हो सकेंगी, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया, ये स्ट्रक्चर देख ली, इसलिए आपका ये स्ट्रक्चर बन रहा है ना। ये स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है, क्योंकि ऊपर रेसिस्टेंट रॉक है और ये जो आप देख सकते हैं लेस रेसिस्टेंट रॉक जो कि आपका इरोड हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये स्ट्रक्चर बनता है। तो ये हमने डिस्कस किया, ये आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको विंड के द्वारा बनते हुए दिखते हैं इन द डेजर्ट रीजन। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले देख सकते हो आप, ये है आपका पीडमोंट शैलो स्लोप एट द फुट ऑफ स्टीप स्लोप और क्लिप, तो देख सकते हो जैसे ये आपका, तो यहाँ देख लो ये आपका स्टीप स्लोप वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ दिख रहा है आपको, एक बार फिर से आप देखो इस स्लोप के स्ट्रक्चर को, है ना, यहाँ आप देखो, ठीक है, स्टीप स्लोप दिख रहा है, उसके फुट में आप देख सकते हो शैलो स्लोप देखने को मिल रहा है एट द फुट ऑफ द स्टीप स्लोप, इसी को पेडिमेंट कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपका स्टीप स्लोप आप देख रहे हो इस वे में है आपका स्टीप स्लोप, इस वे में है आपका स्टीप स्लोप, ठीक है, तो इसको क्या कह रहे हैं, बूटे कह रहे हैं, ठीक है। एन आइसोलेटेड टावर ए रेमिनेंट ऑफ द प्लेटू, ये हो गया बुशे,
और मेशा की बात करें तो ए पोर्शन ऑफ द प्लेट टू आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन प्लेट टू, तो ये मेन प्लेट टू था और जब विंड का एक्शन हुआ तो अल्टीमेटली ये इरोड हुआ और देख सकते हैं ये है आपका मेन प्लेट टू, ठीक है। और मेशा क्या होगा, पोर्शन ऑफ द प्लेट टू विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन प्लेट टू, तो ये आपका मेशा स्ट्रक्चर हो गया, याद रखना है आपको, ठीक है। तो मेशा बूटे ऑल आर इरोजनल लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ द विंड एजेंट, ठीक है, ये याद रखना है। इवन इंसेल बग भी क्या होंगे, जब जो प्लेटू होंगी यानी कि जो भी स्ट्रक्चर है आपका, जब वो धीरे धीरे इरोड होने लगती है तो अल्टीमेटली रेमिनेंट और रेसिस्टेंट रॉक आपको जो बच जाते हैं उसे आप इंसेल बग कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा प्लेटू था एक समय, ये सब इरोड हो गई और ये थोड़ा सा आपका रेमिनेंट और रेसिस्टेंट रॉक बच गया, बिकॉज ये हार्ड रॉक था, दैट्स व्हाई ये आपका बच गया और ये आपका इंसेल बग कहलाएगा, ठीक है। और ये है आपका बार्चेन और क्रिशन ड्यून। और वादी की बात करें तो वादी आपका ड्राई गली और रिवर वेड इरोडेड बाय ओकेजनल फ्लेश फ्लड है ना, तो वादी आप यूं कह सकते हो कि रेगिस्तान में जो ड्राई गली टाइप बन जाएगा बिकॉज ऑफ द इरोजन बाय द विंड्स, और अल्टीमेटली जब कल वहां पर बारिश होगी फ्लैश फ्लड आएंगी तो उसमें आपका एक प्रकार से वाटर फ्लो होने लगेगा, तो ये आपका वादी कहलाएगा, ठीक है। एंड प्लेटू इज ए लार्ज फ्लैट एरिया विद स्टीप क्लिफ एंड नैरो वैली, तो ये आपका प्लेटू कहलाएगा। एलुवियल फ्लैनिंग फैन की बात करें तो फाउंड व्हेन वादी और कैनन मीट्स द लोअर ग्राउंड है ना, तो जो आपका वादी है जो हमने अभी डिस्कस किया, वादी जीवन ड्राई गली और जब ये लोअर ग्राउंड से मीट करती हैं तो अल्टीमेटली एलुवियल फैन बनाती है, विच इज ए बेजेडा इज फाउंड व्हेन दीज फैंस कोलेसेंस है ना, तो जैसे जैसे ये एलुवियल फैंस एक साथ मिल जाती है तो आपका बेजेडा बनता है, ठीक है। एंड शाल फैन इसी को तो प्लायर लेक भी कहते हैं, साइट ऑफ ए फॉर्मर ओकेजनल लेक, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया इसके ओरिजिनल फीचर्स की। बार्चेंस एंड क्रिशेंट ड्यून हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर सीरीज में, ठीक है। एंड ये है आपका कुछ एग्जांपल, तो देख सकते हैं ये है आपका प्लायर लेक, ठीक है। एंड अब बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय विंड्स, तो आपको ही पता है विंड एज एन एजेंट, तो एक काम तो ये इरोजन की करती है और दूसरा काम ये डिपोजिशन की करेंगी। तो इरोजन के केस में तो हमने देखा ये सब जो आप देख रहे हो, चाहे वो आपका मेशा बूटे टोपोग्राफी हो या फिर इंसेलबग हो या फिर आपका वादी हो, साल्ट फैन या प्लायर लेक हो, ये सब कहीं ना कहीं इरोजनल फीचर्स ही है। और अगर हम बात करें डिपोजिशनल फीचर्स की, तो देख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द विंड डिफरेंट साइजेज ऑफ ग्रेन्स ये मूव करती हैं अलोंग द फ्लोर्स, किस मेथड से, तो रोलिंग मेथड से। रोलिंग मतलब जो आप डस्ट पार्टिकल्स ऐसे रोल कर सकते हैं, है ना, शाल्टेशन एंड उसको फिर या तो सस्पेंशन यानी कि एयर में भी ट्रेवल करवाया जा सकता है, और इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का। एंड फिर धीरे धीरे जो मटेरियल है वो अपने आप शॉर्टेड आउट हो जाती है और शटल हो जाती है जब या जहाँ पर विंड स्लो डाउन हो जाता है, और उस हिसाब से आपका क्या बनता है, सैंड ड्यून्स बनते हैं। एंड देयर कैन बी ए ग्रेट वेराइटी ऑफ ड्यून्स, फॉर एग्जाम्पल क्रिशेंट शेप्ड ड्यून्स को बार्चेन कहते हैं, याद रखना है क्रिशेंट शेप्ड ड्यून्स को बार्चेन कहते हैं, विद द पॉइंट ऑफ विंग्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड पाराबोलिक ड्यून की बात करें तो पाराबोलिक ड्यून बनती है जब सैंडी सर्फेसेस वो पार्शियली कवर हो जाती हैं आपका वेजिटेशन से, एंड ये पाराबोलिक ड्यून जो है इसको आप रिवर्स्ड बार्चेन कह सकते हो, जिसमें आपका विंड का डायरेक्शन जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, जबकि क्रिशेंट शेप ड्यून या बार्चेन में क्या होता है, विंड का डायरेक्शन आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। एंड शेप की बात करें तो इट इज सिमिलर टू बार्चेन विथ ए स्मॉल डिफरेंस, शेप हैज ओनली वन विंग और पॉइंट। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून की बात करें तो ये आपका पैरेलल एंड ट्रांसवर्स ड्यून हो सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन है ना, तो विंड इधर फ्लो कर रही है तो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून है इस डायरेक्शन में बन रहा होगा, तो इस वे में आपका लॉन्गिट्यूडनल ड्यून बनते हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लो, बार्चेन देख सकते हो आप, विंड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और विंड की डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो भी सैंड के मटेरियल्स होंगे जब ये विंड लेकर जाएंगी तो ये आपका डिपॉजिट करेंगी इधर पे, है ना, इधर पे डिपॉजिट करेंगे, धीरे धीरे ये आपका एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगी, इट इज लाइक आपका क्रिसेंट शेप, है ना, तो देख सकते हो क्रिसेंट शेप्ड है, ठीक है। तो क्रिसेंट शेप्ड में क्या हो रहा है, या फिर बार्चेन में क्या हो रहा है, विंड का जो डायरेक्शन है वो, और ये जो आप देख रहे हो पॉइंट या विंग है ना, इसी कहते हैं पॉइंट या विंग, है ना, पंख टाइप का दिख रहा है ना, तो पॉइंट या विंग अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन, तो आप देख सकते हो विंड डायरेक्शन इधर है और पॉइंट और विंग का डायरेक्शन आप देख सकते हो अवे है, दूर है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर है, जबकि आप पाराबोलिक ड्यून में देखो तो विंड का डायरेक्शन इधर है
और जो आपका पॉइंट या विंग है आप देख सकते हो, बेसिकली इट इज इस विंग के नियर है ना, तो विंड डायरेक्शन देख सकते हो पॉइंट के नियर है, जबकि यहाँ पर देख सकते हो जो पॉइंट है वो आपका विंड के अभी लोकेटेड है। ठीक है, ऐसे याद रखोगे आप, ये है आपका हॉर्न, इसी को हॉर्न कहते हैं। ऐसे याद रखोगे जो बार चेन है इसमें देख सकते हो बी टाइप है, तो इसका मतलब ऐसे होगा। ठीक है, तो ऐसे होगा तो इसका मतलब ये आपका पॉइंट हो गया और जो विंड आ रही होगी वो इस डायरेक्शन से आ रही होगी। ठीक है, और आपका जो पैराबोलिक है जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और विंड जो है वो इसी डायरेक्शन से आ रही होगी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका, ऐसे याद रखोगे। एंड अगर हम बात करें ट्रांसवर्स ड्यून की, तो ट्रांसवर्स ड्यून में आप देख सकते हो विंड के डायरेक्शन इधर से है और अल्टीमेटली जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं, वो परपेंडिकुलर टू द विंड देखने को मिल रहा है ना। तो देख सकते हो स्ट्रक्चर ऐसे बन रहे हैं, स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है, स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है, स्ट्रक्चर ऐसे बन रहे हैं, और विंड का डायरेक्शन देख लो आप इस डायरेक्शन में ना, तो परपेंडिकुलर है ये पैर, ये इस डायरेक्शन में स्ट्रक्चर बन रहा है और विंड जो इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो आप देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ट्रांसवर्स ड्यून में आपका जो विंड का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगा टू द इरोजनल टू द डिपोजिशनल सर्फेसेस। तो ये सब आपके डिपोजिशनल सर्फेसेस हो गए, विंड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। और आपका लॉन्गिट्यूडनल ड्यून जिसको शैप भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो आपका विंड का डायरेक्शन होगा वो पैरेलल होगा टू द ड्यून्स। तो आप देख सकते हैं ये इधर आपका ड्यून बना और इधर आपका ड्यून बना। ठीक है, ये आपका विंड का डायरेक्शन है ना, तो ये ड्यून के पैरेलल ये आपका मूव कर रहा है ना। ये ऐसे नहीं, ये लगातार आपका ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून या लॉन्गिट्यूडनल ड्यून या फिर ट्रांसवर्स ड्यून बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर से विंड फ्लो की, इधर से विंड फ्लो की, इधर से विंड फ्लो की, तो अल्टीमेटली इस प्रकार से आपका लॉन्गिट्यूडनल ड्यून बनते चल जाएंगे। लैटिट्यूडनल ड्यून में क्या होगा, आपका विंड इस प्रकार से फ्लो की, तो इस प्रकार से आपका डायरेक्शन में ट्रैवर्स ड्यून्स बनते चले जाएंगे। और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून को ही शेप भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बार चेन्स। बार चेन्स में आपको क्या याद रखना है, इस टाइप से याद रखने हैं। और इसका विंड का डायरेक्शन देख सकते हो, जो विंग होती है विंग से अभी होती है, पॉइंट जो होती है उससे अभी होती है। और जो आपका पैराबोलिक है, पैराबोलिक में क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा, जिसमें आपका जो विंड और जो पॉइंट का डायरेक्शन है वो काफी ज्यादा नजदीक होता है, दे आर नियरर टू ईच अदर। ठीक है, और जबकि इसमें जो आपके बार चेंज है, दे आर फार्दर टू ईच अदर एंड दे आर नियरर टू ईच अदर, ये आप देख सकते हैं, इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, और आपको याद रखने में जो प्रीलिम्स है वो उसमें आपको ट्रांसवर्स ड्यून और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स के बारे में जरूर याद रखने। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस कंप्लीट फिजियोग्राफी। अब बात करेंगे इंडिया की जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, फिजियोग्राफी है, उसके बारे में। ये आपका फैक्चुअल पार्ट होगा, इसमें आपको याद रखने की जरूरत होगी, ज्यादा पेज का तो नहीं होगा, लेकिन वी विल डिस्कस वन बाय वन।